I hope I am audible to all All of you. All right, तो नहीं भी आईपीसी तो आपने लॉ कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा क्योंकि सीआरपीसी जो सब्जेक्ट है वो हैंड इन चलता है विद आई पी सी आई लॉ है क्रिमिनल लॉ का और उसी का प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी जो कि पूरा प्रोसेस बताएगा आज की जो क्लास है इंट्रोडक्शन है अबाउट सीआरपीसी तो इसमें पहले हम वो सही अप्रोच समझेंगे कि आईपीसी पढ़ना कैसे है और आईपीसी के अंदर क्या पढ़ना है सॉरी सीआरपीसी के अंदर हमें पढ़ना क्या है अभी तक जो आपने सीआरपीसी पढ़ा है अगर आप लॉ ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपने पढ़ा तो होगा सीआरपीसी क्या एक्सपीरियंस है आपका सीआरपीसी को लेके हाउ डिड यू फाइंड सब्जेक्ट पढ़ा तो है आपने पढ़ा है ना लॉ ग्रेजुएशन में कितने लोगों ने पढ़ा है अपने से? पढ़ा है ना? So how, how कैसा सब्जेक्ट है मतलब क्या डिफिकल्ट है मीडियोकर है इजी है क्या है कैसा है भाई जिन लोगों ने पढ़ा है बताइए सर कुछ जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी बताएं कर बहुत टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है बाकी मीडियम कोविड में पढ़ा है तो, आ, तो फिर तो क्या ही पढ़ा होगा कोविड में पढ़ा है तो ठीक है आ, फिर भी एक बेसिक आ, आईडिया अगर आपके पास सीआरपीसी का है प्रॉब्लम सीआरपीसी के साथ यह है कि प्रोविजन तो समझ में आते हैं जब आप डायरेक्ट प्रोविजन पढ़ोगे तो बहुत टेक्निकलिटी नहीं है उसमें जैसे आपने कुछ सब्जेक्ट पढ़े होंगे टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है ना कॉलेज में बड़ा तरंगी है तरंगी सब्जेक्ट हेड नोट में कुछ और लिखा है कंटेंट में कुछ और लिखा है मतलब कुछ और ही है। ऐसा सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस तरीके के और भी कई सब्जेक्ट आपने पढ़ोगे जिसके प्रोविजन समझने में ही दिमाग ज्यादा लग जाता है जैसे सारे अगर आपने पढ़ा है लिमिटेशन आपने पढ़ा है तो उसके प्रोविजन को ही बिठाने में उनको समझने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सीआरपीसी उस लेवल का सब्जेक्ट तो नहीं लगा होगा आपको प्रोविजन तो जब अपन पढ़ते हैं उसकी जो लैंग्वेज है काफी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है बहुत ज्यादा उसमें समस्या नहीं होती है लेकिन सीआरपीसी के साथ जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो कुछ सीआरपीसी की समस्या कुछ और ही है सीआरपीसी की समस्या यह है कि उसका पूरा स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं होता दिमाग में कि कब कहा क्या चल रहा है प्रोविजन पढ़ा अपन ने वन नाइनटी समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि ऐसे होगा आपने ट्रायल उठाया ट्रायल का एक प्रोविजन पढ़ा अगर आप सेशन ट्रायल पढ़ रहे हैं 225 का प्रोविजन उठाया ऑनवर्ड वहां से आपने प्रोविजन पढ़ना चालू और आपके समझ में आएगा कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लिए डिफेंस के एविडेंस लिए ये हुआ वो हुआ जजमेंट लेगा सारी बातें समझ में आपके आ रहा प्रोविजन क्या चल रहा है आप कंप्लेंट वाला पोर्शन पढ़ेंगे सेक्शन 200 हंड्रेड ऑनवर्ड्स तो आपके समझ में आएगा उसमें लिखा क्या है थोड़ा बहुत समझ में आता है रीजनेबली आपके समझ में आता है लेकिन उन सब की जो इंटरकनेक्टिविटी है कि ये ओवरऑल पिक्चर में चल के रहा है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विद द सब्जेक्ट सीआरपीसी और अगर इसको आपने केयरफुली नहीं डील किया है उस स्ट्रक्चर को अगर आपने केयरफुली डील नहीं किया है तो आपको हमेशा सीआरपीसी से डर लगेगा ठीक वहां आपको कनेक्शन समझ नहीं आता सेक्शन का कि कहान कि कौन किससे कनेक्ट हो रहा है अब एक चैप्टर कोग्निजन से रिलेटेड आपने प्रोविजन भी पढ़े फिर प्रीज ऑफ कॉग्निजेंस भी है उसमें सेपरेटली वहां कुछ अतरंगी अलग प्रोविजन दी है जनरल प्रोविजन आज टू इंक्वायरी ट्रायल 300 हंड्रेड ऑनवर्ड दिया हुआ है उधर कुछ अलग ही बातें आ जाती है बीच में अब आज सब रहा है प्रोविजन का मतलब समझ में आ रहा है लेकिन वो किधर फिट हो रहा है ये समझना मुश्किल होता है सीआरपीसी में और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो प्रोसीजरल लॉ में जनरली होता है चाहे वो एविडेंस हो चाहे वो सीपीसी हो चाहे वो सीआरपीसी इन तीनों लॉस को पढ़ते समय ये समस्या होती है कि प्रोविजन तो ठीक ठाक बैठ गया दिमाग में मगर वो ओवरऑल पिक्चर क्लियर नहीं हुई कि कहा क्या, क्या कनेक्ट हो गया कहां से क्या ड्रॉ हो गया ये वाली चीज समझने में आपको होती है थोड़ी समस्या इसी का हल आज हम देखेंगे पहले क्योंकि समस्या को सॉल्व करना जरूरी है उसके बाद प्रोविजन तो आप मुझे नहीं लगता ज्यादा आपको परेशानी होगी हाँ लेकिन सीआरपीसी को इतना हल्के में भी ना लें को क्योंकि तो जो लिखा है लिटरल मीनिंग उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि तो जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसका चालू होता है ऑन ग्राउंड तो उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको बेयर प्रोविजन की मेयर रीडिंग से क्लियर ना हो पाए है ना तो उसको थोड़ा सा जब अपन प्रोविजन भी पढ़ेंगे तो थोड़ा उस लिहाज से आपको पढ़ना है ठीक तो बेसिकली आज की क्लास का जो पर्पज है वो सिर्फ इतना है आज मेरा कि आपके जहन में वो पूरा स्ट्रक्चर सीआरपीसी का क्लियर होना चाहिए डायरेक्ट में आज सिर्फ हम कंटेंट पढ़ेंगे और कुछ नहीं आप सबके पास सीआरपीसी का बेरेक्ट है आई होप आप सब बेरेक्ट लेके बैठे हैं फिलहाल उसको बंद कर दीजिए उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें पहले हम कहानी समझेंगे उसके बाद प्रोविजन उसके बीच में डालेंगे कि कौन सा कहां प्रोविजन दिया है अब क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि ये क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी जो है ये क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजरल <coughs> लॉ है क्रिमिनल लॉ का जो सब्सटेंटिव लॉ है जनरल लॉज में जो सब्सटेंटिव लॉ है दैट इज आईपीसी इंडियन पिनल कोड आईपीसी क्या करता है बींग अब्सटेंटिव लॉ वो राइट right और लाइबिलिटी डिसाइड करता है राइट और लाइबिलिटी से मतलब आपके पास एक मोबाइल फोन है है कि नहीं अगर आप उसको ऑन करते हैं आपके पास उसकी पोजेशन का राइट right है लॉफुली पोजेशन के लिए आपका आपका जो मोबाइल फोन है उसकी लॉफुल पोजेशन के लिए कौन एंटाइटल्ड है आप हैं इस राइट right को आईपीसी रिकॉग्नाइज करता है कि आपका मोबाइल फोन आपके पास रहेगा अगर कोई दूसरा व्यक्ति बिना आपके कंसेंट के उस फोन को स्टली आपके पास से मूव करता है तो दैट विल बी एन ऑफेंस ये ऑफेंस बना के आईपीसी ने किया क्या आपके उस पोजेशन के राइट right को रिकॉगनाइज कर दिया करा कि नहीं किया कि आपका mobile phone है तो यू शुड कीप इट वो किसी और को नहीं दिया जाएगा वो आपके पास रहेगा वो अगर डिसनेस्टली उसको मूव करेगा तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा वो एक्ट एक ऑफेंस माना जाएगा और उस ऑफेंस के लिए एक पर्टिकुलर पनिशमेंट दिया जाएगा सेक्शन 378 आईपीसी बताता है कि थेफ्ट कब एक एक्ट थेफ्ट कहलाएगा और सेक्शन 379 उसका पनिशमेंट बता देता है तो राइट right भी रिकॉग्नाइज हो गया और लाइबिलिटी की जो ऑफेंस कमिट कर रहा है तो बेसिकली आईपीसी कर क्या रहा है ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है और उसका पनिशमेंट बता रहा है आईपीसी यह बता रहा है कि कब एक एक्ट ऑफेंस माना जाएगा और उसका पनिशमेंट क्या होगा यह आईपीसी ने बता दिया अब इसके आगे की कहानी कौन बताएगा वो सीआरपीसी बताएगा एक एक्ट ऑफेंस होगा या नहीं ये जानने के लिए आपको आईपीसी पढ़ना पड़ेगा अब वो जो एक्ट कमिट हुआ है उसके बाद आगे कहानी होनी क्या है उसके लिए सीआरपीसी आएगा सीआरपीसी पूरा प्रोसीजर बताएगा तो अगर इस चेन को अपन समझें तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए सबसे पहले आएगा, आएगा आपका सीन में क्या आईपीसी आईपीसी क्या करेगा बताएगा कि एक पर्टिकुलर एक्ट जो आपके साथ हुआ है या आपने किया है वो कौन सा ऑफेंस है वो ऑफेंस है भी या नहीं ये कहां से डिटरमाइन हो जाएगा आपका आईपीसी में आप डेफिनेशन पढ़ेंगे अप्लाई करेंगे समझ आ जाएगा ऑफेंस है की? ठीक अब अब मान लीजिए वो कमिट हुआ है यू यू इट टू बी एन ऑफेंस आगे प्रोसेस क्या होगा इसलिए सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है आगे के प्रोसीजर के लिए आपको जाना पड़ेगा किसके पास सीआरपीसी सीआरपीसी पूरा प्रोसीजर बताएगा कि आपके साथ ऑफेंस कमिट हुआ तो कहां जाओ कौन है अथॉरिटी किसके पास जाके इंफॉर्मेशन दोगे क्या होगा सारी कहानी चलेगी कहां तक पहुंचाना है इसको हमें आईपीसी में जो सेकंड चीज दी है पहले तो आईपीसी आईपीसी ने को define किया है, दूसरा IPC ने ऑफेंस ऑफेंस को डिफाइन किया किया दूसरा पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है हो गया अब अब इससे हम पनिशमेंट तक पहुंचेंगे उसके बीच में पूरा ये सीआरपीसी है आईपीसी से जो हमें पनिशमेंट तक पहुंचना है उसके बीच में इधर आ गया सीआरपीसी और यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम जाएंगे कहा पनिशमेंट पे पनिश कराओगे ना फिर अक्यूज को जो भी व्यक्ति है जिसने वो ऑफेंस कमिट किया है पहले अपन देखेंगे एक्ट वो ऑफेंस है यानी ऑफेंस ऑफेंस हुआ offense हुआ कमिट जैसा आईपीसी ने बताया फिर बीच में आया सीआरपीसी ये पूरी कहानी बताएगा क्या क्या होगा कहाँ इंफॉर्मेशन दोगे कौन इन्वेस्टिगेट करेगा कहाँ ट्रायल चलेगी ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा एविडेंस कैसे लिए सब कुछ बताएगा और उसमें फिर एविडेंस भी आएगा कि ट्रायल में एविडेंस कौन से लेंगे नहीं लेंगे वो अपना एक सेपरेट प्रोसीजर लो बट इसका जो प्रोसेस है क्या होना है कब होना है कैसे होना है कौन करेगा ये सब सीआरपीसी ने बताया यहां से अपन पहुंचे पनिशमेंट तक व्यक्ति को पनिश किया गया अगर वो गिल्टी है तो वो कन्विक्ट हो गया पहले अक्यूज था क्योंकि एलिगेशन लगे थे द मोमेंट ही इज फाउंड गिल्टी नाउ ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन कन्विक्शन हो गया अब उसको पनिशमेंट दिया जाएगा इतने पे सीआरपीसी खत्म नहीं होगा पनिशमेंट आईपीसी ने जो बताया वो मिलेगा पनिशमेंट कौन सा मिलेगा जो आईपीसी ने बताया कोई चीज ऑफेंस है या नहीं कहां से डिटरमाइन हुआ जो आईपीसी ने बताया ऑफेंस है या नहीं ये इधर बताया आईपीसी ने बीच में आया सीआरपीसी और पनिशमेंट तक अपन ले गए उस कहानी को इसके बाद की कहानी भी सीआरपीसी में है मान लीजिए उसको सेंटेंस दिया गया उसके बाद उसको अपील में जाना है उसको रिविजन में जाना है मान लीजिए उसको कन्विक्ट करके पनिशमेंट सुना दिया अब उसको अपनी सजा माफ करानी है कम्यूटेशन कराना है पनिशमेंट का वो भी सीआरपीसी तो ऐसा नहीं कि इधर खत्म बस इतना ही है सीआरपीसी आप कन्विक्ट हो गए आपकी सजा एग्जीक्यूट होगी और या तो आप इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट से माफी भी मिल सकती है ये भी है या ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है उसके अगेंस्ट आप हायर कोर्ट के पास अपील करने भी जाएंगे ये भी सीआरपीसी बताएगा तो ये सारी कहानी अब इसके बीच में बहुत कुछ है इसके बीच में अरेस्ट होगा इसके बीच में बेल लेगा ये जो, ये जो पूरी तो कहानी यहां आपको बताई गई है और अभी जैसा मैंने आपसे कहा बेरेट खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बंद करके एकदम साइड में अभी रख दीजिए जब खोलना होगा तो मैं बताऊंगा अब अपन यहां से अब देखो जो लॉ में लिखा है वो कोई अद्भुत बात नहीं लिखी है कोई जादू नहीं लिखा है, किसी का आप बात समझ रहे हैं जो कॉमन सेंस आपका कहता है ना क्या होना चाहिए एक ऑफेंस के बाद वही सारी चीजें लिख के कोडिफाई करी गई हैं बस हाँ उसकी फ्रेमिंग क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी है तो उसकी फ्रेमिंग थोड़ी ऐसी अतरंगी सी है जिसके कारण आप इस बात को उस कोरिलेशन को या उन चीजों को समझने में कई बार गलती कर देते हैं तो मान लीजिए एक ऑफेंस कमिट होता है किसी का मर्डर होता है कहीं थेफ्ट कमिट होता है कोई भी एक ऑफेंस आप उठा लीजिए आईपीसी अगर आपने पढ़ रखा है आप दुनिया भर के ऑफेंस जानते हैं आप इमेजिन करिए एक ऑफेंस कमिट हुआ अब सबसे पहले ऑफेंस कमिट होने के बाद क्या किया जाएगा जनरल अपने प्रूडेंस से बताइए ऑफेंस कमिट हुआ अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए ऑफेंस से देखो कोई भी एक्ट ऑफेंस कब होता है जब वो पब्लिक रॉन्ग होता है आपने सिविल और क्रिमिनल लॉ लॉ का डिफरेंस पढ़ा होगा। सिविल डील करता है विद प्राइवेट रॉन्ग लॉ डील करता है पब्लिक रॉंग के साथ पब्लिक मतलब जो, जनता जनार्दन को करे, जो को करे, उसके लिए नहीं है लेकिन जो सीरियस नेचर के रॉन्ग कैटेगराइज का, किया गया और उसके लिए क्रिमिनल लॉ क्योंकि वो पब्लिक एज लार्ज को इस क्लासरूम में किसी बच्चे का मर्डर हो जाए तो इट इज नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट दैट पर्सन ओनली इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है सरकार की स्टेट की टैक्स तो नहीं देते होगे बेरोजगार वोट <laughs> तो दिया है वोट तो दिया है सरकार चुनी है आपने सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्रोटेक्शन सोसाइटी सोशल ऑर्डर ये ये सब किसका किसकी ड्यूटी है स्टेट की इसीलिए क्रिमिनल में सारी कहानी कौन करता है स्टेट ऑफेंस कमिट होता है तो सीन में कौन आता है स्टेट आपका कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो वो आपकी जिम्मेदारी आप जाइए सिविल सूट फाइल करिए प्लेंट बनाइए आप प्लेंटे में जाके सिविल कोर्ट में केस करिए लेकिन जब ऑफेंस होता है क्राइम कमिट होता है वहां क्या कहानी होती है स्टेट आएगा सीन में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई आपकी तरफ से केस कौन लड़ेगा सरकार प्रोसिक्यूशन जिसको अपन कहते हैं आपको नहीं लड़ना केस उधर प्रोसिक्यूशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है वो करेगी तो एक ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो आप क्या करेंगे इस बात की आप इंफॉर्मेशन देंगे सरकार तक पहुंचाओगे तो ना बात अपनी कि भैया ऐसा हो गया अब आगे की कहानी देखो आप एक ऑफेंस कमिट हुआ है तो ऑफेंस कमिट होने के बाद सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है आपकी इंफॉर्मेशन उस ऑफेंस की अब इस इंफॉर्मेशन में भी कहानी समझते जाना दो तीन अलग अलग चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी <coughs> मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको उसे अलग अलग तरीके से बता दू लेकिन क्योंकि इतनी इंटरमिंगल्ड चीजें हैं थोड़ा सा बुद्धि खुली रखीगा आपने अब ये जो इंफॉर्मेशन आपको देनी है चाहे आप विक्टिम हैं या आप नॉर्मल एक इंफॉर्मेंट हैं जिसने वो ऑफेंस देखा या उसकी जानकारी रखता है कोई भी जाके इंफॉर्मेशन देगा इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या क्या ऑप्शन सीआरपीसी आपको देता है कि आप कहां इन्फॉर्म कर सकते हैं प्रोसीडिंग इनिशिएट कराने के लिए आगे की कहानी कार्यक्रम चालू कराने के लिए तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है कोई बताएगा क्या दो ऑप्शन है आपके पास है या तो पुलिस के पास जाइए या तो पुलिस के पास जाइए या फिर सीधे चले जाइए मैजिस्ट्रेट के पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं अपन मजिस्ट्रेट भी दो तरीके के होते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल या तो सीधे जिस जिस भी एरिया में वो कम, चीज कमिट हुई है वहां जिस भी मजिस्ट्रेट का जोरिस्टिक्शन है आप चाहें तो सीधे उस मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं तो या तो आप पुलिस के पास चले जाइए या आप मजिस्ट्रेट को जाके इन्फॉर्म कर दीजिए दोनों का प्रावधान आपको सीआरपीसी में मिल जाएगा इंफॉर्मेशन आप दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं ठीक अगर आप मजिस्ट्रेट के पास गए तो मजिस्ट्रेट को जिस फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसको कहा जाता है मजिस्ट्रेट को जिस फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसको क्या कहते हैं कंप्लेंट। जब किसी ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन आप मजिस्ट्रेट को देते हैं उसको क्या कहते हैं कंप्लेंट कहते हैं अगर आप पुलिस के पास इंफॉर्मेशन लेके गए हैं अब यहां दो कैटेगरी फिर आएगी पुलिस के पास अगर आप इंफॉर्मेशन लेके गए हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो है जिस ऑफेंस की है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है क्या है दो कैटेगरी कोई बताएगा जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है जिसकी इंफॉर्मेशन आप पुलिस के पास ले जा रहे हैं या तो वो कॉग्निजिबल है या तो वो नॉन कॉग्निजेबल है दो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन आप लेके जा रहे हैं अब यहां समझिएगा अगर वो नॉन कॉग्निजेबल पहले लिख लेता हूं और इधर लिख लेते हैं अपन कॉग्निजेबल अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है तो इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को एनसीआर एक रजिस्टर होता है पुलिस स्टेशन में उसमें लिख लिया जाता है उस एनसीआर में इस इंफॉर्मेशन को लिख लिया जाता है से पूछ लेना कि चले लखनव मैंने जो बोला था बोल दो एक एक बार तुरंत ठीक रजिस्टर होता है सेपरेटली जब ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है पुलिस नीड्स टू तो डिटरमाइन कि ये जो ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की है या फिर ये नॉन कॉग्निजेबल की अगर नॉन कॉग्नेज देखो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती जिसमें पुलिस खुद से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती लेस सीरियस होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े सीरियस नेचर के हैं आईपीसी में जब ऑफेंस को डिफाइन किया गया पनिशमेंट बताया गया वहीं वो कैटेगराइजेशन भी बताया गया है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा अवेलेबल होगा या नॉन अवेलेबल होगा ये कैटेगराइजेशन आईपीसी में बताया गया है अलोंग विद ऑल दी ऑफेंसेस ठीक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कर सकती है अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो यहां पुलिस खुद से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती यही non -cognizable का मतलब है, बिना के अरेस्ट नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती यही मतलब है non -cognizable का। तो किधर फॉरवर्ड कर देगी नॉन कॉग्निजेबल के किधर फॉरवर्ड कर देगी मजिस्ट्रेट के पास कि जाओ उनके पास जाओ तुम लिखेगी एनसीआर में और उठा के बोल देगी जाओ मजिस्ट्रेट साहब के पास वो करेंगे इसमें जो करना अब मजिस्ट्रेट चाहे तो पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराए चाहे तो नहीं कराए वो भरा पूरा आउटलुक किसका है वो पूरा मजिस्ट्रेट का लेकिन अगर जो इंफॉर्मेशन पुलिस को आपने दी है जिस ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन इफ दैट ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ दैट ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इधर पे पुलिस ही राजा है जैसी कॉग्नेजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आई कॉग्निजेबल का मतलब क्या है जहां पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी जहां पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगी तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आई कॉग्निजेबल ऑफेंस की अब पुलिस जो है इन in, इन्वेस्टिगेशन चालू अपना कर सकती है हाँ लेकिन कॉग्निजेबल की जब इंफॉर्मेशन आई है तो इधर मजिस्ट्रेट भी है एरिया का जुडिशियल मजिस्ट्रेट तीन स्टेट का एग्जाम निकाल के वो आदमी वहां बैठा है है ना अच्छा होगा तो एक प्री और फिजिकल देके बने लेकिन ये जो है जो आप गरीब लोग बैठे हैं इस तैयारी में आपने जिंदगी का काफी समय व्यतीत किया है तीन स्टेज का एग्जाम निकाला है सेंटर इंटरव्यू थोड़ी इज्जत तो होनी चाहिए होनी चाहिए कि नहीं इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर सकती है कॉग्निजेबल में लेकिन जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एरिया के मजिस्ट्रेट के पास इस बात को वो पहुंचाएं इसको कहा जाता है अकरेंस रिपोर्ट जो FIR होती है उसी की एक कॉपी भेज देते हैं मजिस्ट्रेट के पास मजिस्ट्रेट से कोई परमिशन नहीं मांगनी है उनको इधर कि हम इन्वेस्टिगेशन करें कि नहीं कुछ नहीं ये सिर्फ एक इंटीमेशन है कि साहब हमारे पास ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई है और हम अब उसमें वो ये भी लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन करना, करना, करना है या नहीं करना है के केस में इन्वेस्टिगेशन करना है या नहीं करना है इट इज द पावर ऑफ द पुलिस ओनली बस ये क्या करेंगे जैसे इंफॉर्मेशन आई इंफॉर्मेशन आने के बाद अकरेंस रिपोर्ट भेज देते हैं ये नॉर्मली एफ की कॉपी होती है किसको भेजते है? हैं मजिस्ट्रेट को एरिया के मजिस्ट्रेट को अकरेंस रिपोर्ट भेजेंगे और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगे अगर उन्हें लगता है सीरियस मैटर है या तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे या तो करेंगे इन्वेस्टिगेशन <coughs> अगर करना इन्वेस्टिगेशन होता क्या है कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस पुलिस जब एविडेंस जुटाती है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट उस पूरी प्रोसेस को अपन कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ठीक अब समझिएगा अकरेंस रिपोर्ट आपने आपने भेज दी इन्फॉर्म कर दिया मजिस्ट्रेट साहब को कि साहब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अब उस इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ होगा इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगी पुलिस लोगों से पूछताछ करेगी उसके लिए अटेंडेंस रिक्वायर कराएगी पहले लोगों को बुलाएगी तो पुलिस क्या करेगी अटेंडेंस रिक्वायर कराएगी उनका एग्जामिनेशन करेगी जो विटनेस आएंगे उनको एग्जामिन करेगी करेगी कि नहीं पूछताछ करेगी उनसे फिर रोज का जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग हो रही है उसको रिकॉर्ड करेगा पुलिस वाला रोज वो केस से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी से पूछताछ कर रहा है जो भी कर रहा है उसका रिकॉर्ड रखेगा एक डायरी में उसको क्या बोलते हैं पुलिस डायरी तो इधर क्या हो गया ये एग्जामिनेशन ये सब पुलिस डायरी ये सारी रोज की जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स हैं इसको वो पुलिस वाला एक डायरी में लिखता है जिसको अपन कहते हैं पुलिस डायरी ऐसे करके उनका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस पूरा खत्म होगा सब पूछताछ हो गई एविडेंस जुटा लिया सब हो गया इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा एक कंप्लीशन की रिपोर्ट बनेगी आपने इन्वेस्टिगेशन किया है आपने एविडेंसेस जुटाए हैं एक अक्यूज अगेंस्ट इसकी आप एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट पी आर पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट बनेगी एक जिस भी जो भी अक्यूज है एक है दो है पांच है वट एवर आपने सबके अगेंस्ट तथ्य जुटाए इन्वेस्टिगेशन करके आपने एविडेंसेस जुटाए उसकी आप एक रिपोर्ट एंड में तैयार करेंगे व्हाट इज योर कंक्लूजन ऑन दैट पुलिस उसमें लिखेगी हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है या फिर नहीं लगता है कि ऑफेंस इस व्यक्ति ने नहीं किया दो में से कुछ एक ही चीज होगी भाई एक अक्यूज व्यक्ति है एफ आई है उसके थ्रू अक्यूज बन सकता है या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उनको लगा कि ये इसने किया होगा ठीक तो जो भी व्यक्ति यहां अक्यूज है सारा जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कंप्लीट होगा तो दो में से किसी एक कंक्लूजन पे ही तो पुलिस पहुंचेगी ना दो में से कोई एक ही कंक्लूजन होगा या तो उन्हें वो व्यक्ति लगेगा कि हा इसने ऑफेंस कमिट किया है या फिर उन्हें लगेगा कि यार इस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट नहीं किया है इन दो में से कोई एक चीज होगी यस और नो इन्वेस्टिगेशन के बाद तो ये जो पुलिस रिपोर्ट होती है ये इन दोनों में से किसी एक बात का रिकॉग्निशन होती है अगर पुलिस को लगता है कि हाँ इस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया है तो उसके अगेंस्ट क्या फाइल करा जाता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट फाइल एविडेंस है, है है हाँ है है, मिले हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट तो उस पर चार्जेस लगाए जाएंगे उसको क्या कहा जाएगा चार्जशीट जो रिपोर्ट फाइल करेंगे वो क्या होगी चार्जशीट होगी अगर उन्हें लगता है एविडेंसेस लेने के बाद अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि नहीं साहब इस व्यक्ति ने तो ये ऑफेंस नहीं कमिट किया तो क्या करेंगे वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करेंगे नहीं किया दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आई होप दिस क्लियर अभी अपन सीआरपीसी के बेरट पे नहीं गए बेरट खोला भी नहीं है अभी तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि ये, ये ये होना है होना चाहिए अब इसके बीच में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी कैसे उसको भी समझिए जब एफ होगी जब इंफॉर्मेशन आएगी पुलिस के पास हो सकता है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट आए एफ जो भी इंफॉर्मेंट है या विक्टिम है वो बताए कि साहब इसने ऑफेंस किया है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को समझ में आए कि यार इसने किया है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं ऑगनेजेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है जहां पुलिस बिना वारंट के वारंट के अरेस्ट कर सकती है तो इस पूरे इसमें कहीं पे भी पुलिस अरेस्ट कर लेगी जहां उनको समझ में आया कि हाँ इसने किया है तो इसी के साइमल्टेनियसली इधर एक प्रोसेस क्या होगा आपका अरेस्ट का एक अलग से यहीं पे चीज क्या चल जाएगी इस पूरे में कहीं भी हो सकता है जहां उनको समझ में आए वो क्या होगा आपका वो होगा अरेस्ट एक सेपरेट चीज़ अब आगे बात समझना यहां पे हो गया पुलिस रिपोर्ट ये एक तरीके का कंक्लूजन है किस बात का कंक्लूजन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन है ये पुलिस रिपोर्ट है कि नहीं भाई पूरा उन्होंने उनके पास इंफॉर्मेशन आई उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट तैयार करी ना अक्यूज के अगेंस्ट तो ये एक तरीके का पुलिस का कंक्लूजन है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन की क्या कहानी आ रही है सो दैट इज पुलिस रिपोर्ट अब या तो यह काम पुलिस ने करा है पूरा और या फिर हमने कहा था दोनों में से कहीं भी आप जा सकते हैं तो पुलिस के पास या तो मजिस्ट्रेट जब आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो मजिस्ट्रेट अपनी अलग कहानी करता है अगर आप कंप्लेन लेके मजिस्ट्रेट के पास गए हैं तो मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा विटनेसेस को एग्जामिन करेगा ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि वाकई आप में कुछ आपकी भाई पुलिस तो अपना इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट बना लेगी मजिस्ट्रेट क्या करेगा मजिस्ट्रेट भी तो काम करेगा ना अपना तो वो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा वो विटनेसेस को एग्जामिन करेगा ऑथेंटिसिटी चेक करेगा केस में कुछ दम है कि नहीं तब आगे बढ़ेंगे नहीं तो नहीं बढ़ेंगे यस और नो तो ये है कंप्लेन की कहानी अब चाहे कंप्लेन हो चाहे पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट का एंड कैसे होगा दो में से एक या तो क्लोजर रिपोर्ट या तो चार्जशीट अब यहां से प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी यहां से प्रोसीडिंग कहां पहुंचेगी मजिस्ट्रेट के पास जिसको ट्रायल करना है जिसको कोर्ट की पूरी वो प्रोसीडिंग चलानी है जिसको पूरी ट्रायल करनी है इसके पहले एक चीज होती है अभी ट्रायल शुरू नहीं हो रही है अभी तो अपन यहां तक पहुंचे कि या तो पुलिस ने रिपोर्ट बनाई या कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर लिया अगर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट ने के पास से बात चालू हुई है तो वो एग्जामिन करेगा इसके बाद एक स्टेज होती है जिसको कहते हैं कॉग्निजेंस शायद आपने सीआरपीसी कभी सुना पड़ा हो तो आपने ये वर्ड सुना होगा कॉग्निजेंस कॉग्निजेंस क्या होता है तो भाई जब ये पुलिस रिपोर्ट बन जाती है

लेकिन अब इसके आगे की कहानी आप नहीं कर सकते हो गया आपका काम अब आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए वही व्यक्ति जो तीन स्टेट का एग्जाम निकाल के बैठा है अब आगे का कार्यक्रम वो करेगा ठीक तो यहां होने के बाद या तो कलर ही खत्म हो गया गए गया। ये इस कंप्लेन के बेसिस पे या इस चार्जशीट के बेसिस पे या आई शुड से पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे मजिस्ट्रेट क्या करेगा आप कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट क्या करेगा कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेगा नाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कॉग्निजेंस अभी यहां तक समझ में आया ना भैया इन्फॉर्मेशन लेके आप या तो पुलिस के पास गए थे या मजिस्ट्रेट के पास उसने अपना संतुष्टि कर ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया अब जा रहे हैं अपन मजिस्ट्रेट के पास फर्दर प्रोसीडिंग के लिए उसके आगे की कहानी के लिए अब मजिस्ट्रेट के पास जब ये चार्जशीट पहुंचेगी या ये कंप्लेन उसने जो सब अपना कर लिया है एग्जामिन में एग्जामिन अब आगे कहानी वो डिसाइड करेगा वेदर आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड और नॉट दिस इज टू बी डिसाइडेड बाई दी मैजिस्ट्रेट जब मजिस्ट्रेट तक कोई चीज कोई मैटर पहुंचता है इन इज जुडिशियल कैपेसिटी इसको कहते हैं कॉग्निजेंस किसी भी मैटर का कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना उसकी इंफॉर्मेशन जुडिशियली जब उसके जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू तो, जब उसके पास इस बात का नॉलेज पहुंचता है या इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसको कहते हैं कॉग्निजेंस जब वो उस बात को रिकॉग्नाइज करता है इसको कहते हैं कॉग्निजेंस अपने नोटिस में लेता है मजिस्ट्रेट मैटर को उसको कहते हैं कॉग्निजेंस कैसे कैसे लेगा नोटिस में तो सीआरपीसी तो तीन बातें बताता है अभी तो मैंने दो ही बताई है आपको लेकिन सीआरपीसी कॉग्निजेंस लेने के तीन तरीके के बताता है मजिस्ट्रेट के तीसरा तरीका क्योंकि कहानी का पार्ट नहीं था इसलिए अभी तक मैंने आपको नहीं बताया तो या तो ये जो पुलिस ने पूरा कॉग्निजेबल केस में अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाई है इसके बेसिस पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा या तो इस कंप्लेन के बेसिस पे कॉग्निजेंस लेगा या खुद के ओन नॉलेज पे कॉग्निजेंस लेगा कंप्लेनेंट भी नहीं आया कोई उसके पास मजिस्ट्रेट के सामने ऑफेंस कमिट हुआ है या मजिस्ट्रेट को कहीं और से पता चला ऑफेंस के बारे में उस पर भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है और आगे प्रोसीड कर सकता है तो तीन तरीके से कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट या तो इस पुलिस रिपोर्ट पे या फिर कंप्लेंट पे यानिज ओन नॉलेज

तो अब आप कॉग्निजेंस लेकर करेंगे क्या आपने अगर कौग... इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। तो ये हो गया आपका अब मान लीजिए आपने कॉग्निजेंस लिया कॉग्निजेंस आपने लिया एक ऑफेंस का अब आगे क्या करेंगे आगे क्या प्रोसेस होगा भाई देखो पहले कहा से चालू हुए थे अपन एक ऑफेंस कमिट हुआ उसकी इंफॉर्मेशन लेके जाने के आपके पास दो रास्ते थे या तो सीधे पुलिस के पास जाइए इंफॉर्मेशन लेके या मजिस्ट्रेट के पास जाइए अगर आप मजिस्ट्रेट के पास गए तो वो कंप्लेन कहलाएगी पुलिस के पास गए कॉग्निजेबल केस है तो इसको कहते हैं एफ ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये जो इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल केस की अगर आई है तो इसको क्या कहते हैं एफ कहते हैं और उस एफ आई आर के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन चालू होगा उस एफ आई आर की एक कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजेंगे और पुलिस अपना पूरा कार्यक्रम कर लेगी इधर इन्वेस्टिगेट करके फाइनली एक रिपोर्ट बना देगी अब वो चाहे कंप्लेंट हो चाहे ये रिपोर्ट हो इन दोनों में से किसी के भी बेसिस पे या खुद के ओन नॉलेज पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा कॉग्निजेंस लेके आगे क्या करेगा अगला प्रोसेस होगा अब उसको ट्रायल चलाना है भाई इन्वेस्टिगेशन हो गया कंप्लेंट वंप्लेन्ट आके कार्यक्रम हो गया अब उसको आगे ट्रायल चलाना है लोगों के अगेंस्ट चलेगी अक्यूज के अगेंस्ट चलेगी उसको कोर्ट में बुलाना पड़ेगा पहले मजिस्ट्रेट को या सेशन को, कोर्ट को जो भी ट्रायल करने वाला है आगे उसके सामने प्रोडक्शन होगा कि प्रोड्यूस होना है व्यक्ति को जो भी विटनेसेस हैं जो अक्यूज है अक्यूज को बुलाना पड़ेगा कोर्ट में अब वो हो सकता है पुलिस की हिरासत में हो सकता है उसको अरेस्ट करा है पुलिस ने तो वो अरेस्टेड पर्सन है पुलिस के पास है मजिस्ट्रेट के पास तो नहीं है ना है तो वो या तो पुलिस के पास है, या तो भाग रहा है अगर पता ही नहीं है पकड़ा नहीं गया तो भाग रहा है कुछ भी हो सकता है तो कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट जो करता है उसको कहते हैं इशू ऑफ प्रोसेस प्रोसेसेंस के बाद क्या होता है इशू ऑफ प्रोसेस इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस इशू करने से मतलब है या तो समन इशू करेगा या तो वारंट क्या करना है हमें अक्यूज को बुलाना है क्योंकि आप उसके अगेंस्ट ट्रायल चलानी है भाई तो उसको बुलाना है ना बुलाते कैसे हैं इशू ऑफ प्रोसेस या तो समन या तो इज्जत से बुलाएंगे तो समन भेजते हैं उसके लिए और बेइज्जती के साथ बुलाना है तो वारंट क्योंकि तो वो पुलिस जाती है और एग्जीक्यूट करके लाती है ला लपाड़े भी मारते हैं उसमें तभी लेके आते हैं तो क्योंकि पुलिस गई है तो कॉम्प्लीमेंट्री है दो लपाड़े तो मारेंगे ही वो है ना तो इसीलिए वारंट थोड़ा सा वैसा मोड है बुलाने का और समन जो है वो इज्जत वाला मोड है थोड़ा दोनों में से कुछ भी हो सकता है इशू ऑफ प्रोसेस में तो समन समन केस है तो समन इशू होगी वॉरेंट केस है तो वॉरेंट इशू होगा इसको कहते हैं इशू ऑफ प्रोसेस क्योंकि अब हमें आगे की प्रोसीडिंग चालू करनी है हमको ट्रायल करवाना है इसलिए बुलाना है पहले सो वी कम टू इशू ऑफ प्रोसेस अब इधर से आप देखेंगे सीआरपीसी के चैप्टर में दिया है ट्रायल और वहां से कार्यक्रम चालू होता है अभी एक्चुअली ट्रायल स्टार्ट नहीं हुई है अभी मैं टेक्निकली आपको इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल का डिफरेंस भी बताऊंगा लेकिन एक एक करके अपन इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सारी चीजें इंटरमिंगल्ड है तो मैंने चाह रहा हूं कि उस जाल में आप वापस फंसे अभी मैं आपको वो थ्री स्टेजेस अलग से बताऊंगा इन्वेस्टिगेशन कहाँ होता है इंक्वायरी क्या है और ट्रायल किधर शुरू होती है बट सीआरपीसी में जो चैप्टर में ट्रायल लिख दिया है सेशन की ट्रायल दो से जो चालू हो रही है एक्चुअली टेक्निकली उस पॉइंट से ट्रायल चालू नहीं हो रही उसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन अभी अपन जो जनरल बात कर रहे हैं कि पहले हुआ, इश्यू ऑफ प्रोसेस हुआ इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद आदमी आएगा कोर्ट में, अब उसकी ट्रायल वाली जो है, उस पर कार्यक्रम चालू होगा उसमें होगा क्या सबसे पहले तो आप कोई भी ट्रायल का प्रोविजन उठाएंगे जैसे सेशन ट्रायल आप उठा लीजिए तो कोर्ट में केस ओपन कौन करता है प्रोसिक्यूशन कौन ओपन करेगा केस प्रोसिक्यूशन तो इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद जब केस चलना चालू होता है जब वो कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले क्या करते हैं प्रोसिक्यूशन जो है ये प्रोसिक्यूशन केस ओपन करता है पहले प्रोसिक्यूशन आएगा ना क्योंकि वो अक्यूज बना के लाए हैं बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में प्रोसिक्यूशन में उनको प्रूफ करना है कि जिसको वो अक्यूज बना के लाए हैं इस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है सो दे स्टार्ट द केस वो अपने एलिगेशन बताते हैं अपने प्राइम ऑफिस एविडेंसिस बताते हैं लिस्ट ऑफ विटनेस बताते हैं हमारे पास ये ये लोग हैं जिसके बेस पे हम इसको उठा के ले आए हैं ये करेगी ना पुलिस यही पुलिस करती है लेट्स हाउ द केसेस ओपन अब अगर मजिस्ट्रेट या सेशन की अगर ट्रायल चल रही है तो सेशन जज जो भी जज है वो देखते हैं इस प्रोसिक्यूशन के केस ओपन करने को कि कितनी दम है इसके केस में अगर उन्हें लगता है कि बकवास कर रहे हैं ये तो क्या कर देंगे यहीं पे डिस्चार्ज अगर उन्हें लगता है कि बकवास कर रही है पुलिस प्रोसिक्यूशन तो क्या मिल जाएगा डिस्चार्ज कर देंगे को। जाओ बेटा। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं भाई दम है इसके केस में, तो डिस्चार्ज की जगह क्या करेंगे चार्ज फ्रेमिंग क्या करेंगे चार्ज फ्रेमिंग फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगी फिर मजिस्ट्रेट या जज जो भी ट्रायल कर रहा है वो चार्जेस फ्रेम करेगा उस अक्यूज के अगेंस्ट कि तुम्हारे ऊपर ये ये चार्जेस लगाए गए हैं इसका सेपरेट चैप्टर है सीआरपीसी चार्जेस चार्जेस कैसे फ्रेम फ्रेम होते हैं हैं क्या क्या फ्रेम कर रहे हैं। अब आप चार्जेस फ्रेम करेंगे उसके बाद उस अक्यूज से उस व्यक्ति से पूछेंगे डू यू प्लीड गिल्टी फॉर दीज चार्जेस और नॉट क्योंकि अगर वो खुद ही मान ले अपने आप को गिल्टी तो आगे का कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं ना समय और पैसा दोनों बचाएं तो इसके बाद चार्ज के बाद क्या होता है चार्ज फ्रेमिंग के बाद क्या होता है प्ली ऑफ गिल्ट प्ली ऑफ गिल्ट उससे ही पूछ लेते हैं कि भैया तू बता क्या है प्रोसिक्यूशन तो ये ले आया है इतनी बड़ी चार्जशीट बना के ले आई है पुलिस तो और ये ये एलिगेशन ये क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने केस ओपन किया है इधर वो तो बताएंगे साहब ये ये किया इस व्यक्ति ने अब उस उसक्यूज से पूछा जाएगा तू बता भाई क्या तेरा ओपिनियन है Do you plead guilty for these charges, जो तुम्हारे ऊपर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दी है अब उससे पूछेगा कि तू बता do you plead गिली फॉर दिस अगर वो गिल्डीड करता है मान लेता है खुद को उन चार्जेस पे कन्वर्ट कर दो आगे की कहानी करने की जरूरत ही नहीं है लेकिन अगर वो guilty प्लीड नहीं करता है तो फिर अब लंबा प्रोसेस पूरा वो ट्रायल का चलेगा अब प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस है उनका एग्जामिनेशन होगा अब एक एक करके बुलाया जाएगा वो पिक्चर में देखते हैं ना कटघरे में खड़ा करके और सवाल जवाब होंगे अब वो कार्यक्रम चालू होगा इधर से अगर अगर प्ली ऑफ गिल्ट में अक्यूज अपने को गिल्टी नहीं मानता है तो फिर प्रोसिक्यूशन के विटनेस आते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रोसिक्यूशन का केस उनका एग्जामिनेशन चालू होगा प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का पूरा एग्जामिनेशन होने के बाद फिर डिफेंस आएगा अक्यूज अपने लेके आएगा सपोर्ट में एविडेंस उनका पूरा एग्जामिनेशन होगा इस तरीके से ट्रायल कंक्लूड होगी एंड में या तो कन्विक्शन होगा या तो एक्विटल हो जाएगा या तो कन्विक्शन हो जाएगा गिल्टी प्रूफ हो गया तो या फिर एक्टल हो जाएगा और रिहा कर दिया जाएगा अब कन्विक्शन हो चाहे एक्विटल उसके बाद अपील हो सकती है अपील में जाइए अभी भी सीआरपीसी चल रहा है खत्म नहीं हुआ अपील के बारे में भी सीआरपीसी बताएगा एक्विटल के केस में कहा अपील करना है कन्विक्शन के केस में कहा अपील करना है सारी कहानी चले तो एक कहानी तो सीआरपीसी की ये है आई होप यू गॉट दिस ये क्या चल रहा था बहुत ज्यादा लिख दिया है मैंने ऐसा लग रहा आज मुझे तो ये समझ में आया ना आपके ये क्या चल रहा है अब इसको अपन हटाए इधर से उसके पहले अब खोलिए जरा अपना सीआरपीसी का बैरेक्ट कंटेंट वाला पोर्शन खोलना है बस पढ़ना अभी नहीं है अभी तो माहौल बना रहे हैं। जैसे आप जब डिसाइड करते हैं ना जुडिशरी की तैयारी करना पहले माहौल बनता है पहले चार भैया लोगों से बात होगी तीन दीदी के इंटरव्यू देखेंगे है ना फिर दो चार दिन रजिस्टर ब्लैक पेन रेड पेन नीला पेन आएगा कि नोट्स बना के पढ़ेंगे फिर पढ़ने बैठे तो देखा हाईलाइटर नहीं है कल से पढ़ेंगे कल हाईलाइटर लेके आऊंगा फिर पढ़ूंगा फिर दो चार चार्ट लगेंगे फिर मजिस्ट्रेट का वो लगेगा रूम में ऐसे करके चार छह महीने तो माउली बनाने में लगे इतने में नोटिफिकेशन आ जाता है फिर लगता है आप क्या ही देंगे एडीपीओ है वो ही हैं ये आपकी कहानी मैं भी ऐसा बस माहौल बना रहा हूं अभी सीआरपीसी का अभी अपन ने पढ़ना एक्चुअली चालू नहीं किया सीआरपीसी अब कंटेंट वाला पोर्शन जरा निकालिए हमें यह देखना है कि ये सब जो मैंने आपको कहानी सुनाई है सीआरपीसी में किधर है तो देखते जाइए साथ, साथ मैंने कहा साहब इंफॉर्मेशन दी जाएगी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी या तो पुलिस को या तो मजिस्ट्रेट को अगर आप पुलिस के पास इंफॉर्मेशन लेके पहुंचे हैं तो कंटेंट वाले पोर्शन में देखिए जरा चैप्टर ट्वेल्व निकालिए जरा चैप्टर <coughs> ट्वेल्व है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट सेक्शन एक सौ चौवन वन फिफ्टी फोर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जा रही है किसकी इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस उसके बारे में कहानी दी है वन फिफ्टी फाइव देखिए इंफॉर्मेशन एस टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस तो ये नॉन कॉग्निजेबल कहा क्या कर देंगे मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे खत्म उसके बाद देखिए वन फिफ्टी पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस मैंने क्या बताया इंफॉर्मेशन आई फिर आप क्या करेंगे आपके पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने का लेकिन मजिस्ट्रेट को इंटीमेट भी करना है 157 देखिए प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन इसमें यह बात लिखी है कि आपको मजिस्ट्रेट को बताना भी है कि हमारे पास पासिबल की इन्फॉर्मेशन आई है और फिर सो so ऑन आगे के पूरे प्रोविजन वही सब वन सिक्सटी देखिए देखिए अभी इसमें भी है उस पे अभी मैं आता हूं, उसकी बात हमने अभी नहीं करी है जो मैंने आपको बताया कि आप बुलाएंगे विटनेसेस को फिर उनका एग्जामिनेशन करें सारी कहानी इधर 172 देखिए पुलिस डायरी 173 देखिए पुलिस रिपोर्ट यही सब लिखा है उधर कुछ अलग नहीं है ये जो अपन ने बात करी यही सब लिखा है वही इंग्लिश में लिखा है। उसको पढ़ेंगे अपन इसके बाद हम आते हैं इधर कि मत या तो आप मजिस्ट्रेट के पास गए कंप्लेन लेकर सेक्शन टू हंड्रेड निकालिए कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट चैप्टर पंद्रह इसमें यही सब है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट विटनेस ये जब कंप्लेन जाती है मजिस्ट्रेट के पास इनिशियली वो क्या करेगा वो सारी कहानी 200 से दो सो में लिखी हुई है अब या तो पुलिस रिपोर्ट या तो कंप्लेन दोनों में से किसी एक चीज के बेस पे कॉग्निजेंस होगा या फिर ओन नॉलेज पे सेक्शन 190 देखिए सेक्शन 190 नाइंटी चैप्टर फोर्टीन कंडीशन रिक्वेस्ट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट कॉग्रिजेंस तीन तारीख में से लिया जा सकता है या तो इस पुलिस रिपोर्ट पे कंप्लेन पे या उन नॉलेज पे ये लिखा है उधर और उससे रिलेटेड बाकी के प्रोविजन है। अब कॉक्रिजेंस लेने के बाद क्या होगा इश्यू ऑफ प्रोसेस या तो समन भेजेंगे या तो वारंट भेजेंगे समन के से तो समन भेजेंगे वारंट के से तो वारंट भेजेंगे उसके लिए प्रोविजन देखिए दो सीआरपीसी का दो देखिए इशू ऑफ प्रोसेस कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट चैप्टर की हेडिंग देखिए वही जो मैंने बताया तो क्योंकि बुलाना है ना अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग चालू होगी अब यही बताया था अभी मैंने आपको वही चीज 204 ऑनवर्ड्स लिखी हुई है ये इशू ऑफ प्रोसेस तो ये पूरा चैप्टर इधर खत्म फिर इशू ऑफ प्रोसेस के बाद मैंने क्या बताया प्रोसिक्यूशन अपना केस ओपन करेगा उसके बाद चार्ज ये सब आप देखना है तो आप दो सौ पच्चीस निकालिए ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे ही मजिस्ट्रेट के सामने भी ट्रायल है 238 से दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे अभी तो आप ओवरऑल कंटेक्ट जानिए यहां आप देखिए प्रोसिक्यूशन ओपन करता है सेक्शन देखिए ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिर लिखा है ओपनिंग केस ऑफ प्रोसिक्यूशन फिर लिखा है डिस्चार्ज क्योंकि केस जैसे ही प्रोसिक्यूशन ने ओपन किया मजिस्ट्रेट या जो भी सेशन अगर ट्रायल कर रहा है तो सेशन जज को लगता है कि भाई साहब कुछ दम है तो आगे बढ़ेंगे नहीं तो वहीं डिस्चार्ज कर देंगे खत्म डिस्ज नहीं किया तो आगे क्या लिखा है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज चार्ज फ्रेम होंगे और उसके बाद कन्विक्शन लिखा है उससे पूछा जाएगा डू यू प्लीड गिल्टी और और नॉट चार्ज फ्रेमिंग के बाद और टेक्निकली यहां से ट्रायल चालू होता है चार्ज फ्रेमिंग के बाद प्ली ऑफ गिल्ट से टेक्निकली ट्रायल चालू होता है इसके पहले जो हो रहा था दैट वाज इंक्वायरी अभी उसके बारे में अलग से बात करूंगा तो ये जो पूरी कहानी है अब इसमें जैसे चार्ज फ्रेमिंग की बात आई फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस उसके लिए सेपरेट है। दो है। दो इतना समझ में आ रहा है कहानी भी समझ में आ गई सीआरपीसी में कहा मिल रहा है वो भी समझ में आ गया अब आप कंटेंट उठा के अगर ठंडे दिमाग से बैठेंगे क्लास के बाद भी तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा सीआरपीसी में जो मैंने आपसे पहले

अब क्योंकि अगर है पुलिस के पास पावर है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के ऑर्डर के आप अरेस्ट कर सकते हैं इस अरेस्ट से अरेस्ट से रिलेटेड कैसे होगा किन केसेस में कर लेंगे क्या प्रोसीजर अपनाना इसके लिए सेपरेट चैप्टर है सीआरपीसी में कंटेंट वापस देखिए चैप्टर फाइव अरेस्ट ऑफ पर्सन कैसे अरेस्ट होगा इस पूरे चैप्टर के हिसाब से अरेस्ट होगा इसको कंप्लाई करना ही करना है इस चैप्टर को आपको अरेस्ट कराना है तो अब जो इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर था उसकी भी दो तीन बातें और समझना अभी। वो एक अलग कहानी चल रही है अरेस्ट की रिमांड की वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर की अभी तो मैंने ओवरऑल आपको पिक्चर समझाई अब उसके अंदर की एक पिक्चर और समझिए जो इसके अंदर चल रही है अरेस्ट से रिलेटेड पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई अक्यूज के अगेंस्ट पुलिस क्या करेगी उस अक्यूज को अरेस्ट करेगी इंफॉर्मेशन आने के बाद पुलिस क्या करेगी उस अक्यूज को यहां से अपन चालू करते हैं इस प्रोसेस को सबसे पहले पुलिस क्या करेगी अरेस्ट कर लेगी उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगी आप सबको पता है आपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट right में भी पढ़ा है कि अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है इससे ज्यादा पुलिस अपने से रख नहीं सकती उसे कितनी देर 24 घंटे चौबीस घंटे से ज्यादा आप रख नहीं सकते किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद तो एक बात समझिएगा इधर अब। ये हो गया आपका 24 चौबीस घंटे हो गए मान लीजिए और आपका इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ अरेस्ट क्यों करते हैं व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन में सहूलियत हो जाए इसीलिए अरेस्ट करते हैं 24 घंटे हो गए अरेस्ट के बाद के ये जो ड्यूरेशन है दिस इज 24 फोर आवर्स लेकिन आपका इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ अब आपको क्या करना पड़ेगा किसी मजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाना पड़ेगा जरूरी नहीं कि उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं जिसका ज्यूरिस्टिक्शन है उस ऑफेंस पे किसी भी मजिस्ट्रेट के पास ले जाइए और आगे अगर आपको कस्टडी और चाहिए उस व्यक्ति की तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट की चौबीस घंटे से ज्यादा आप खुद से उसको नहीं रख सकते अब ये क्या करेंगे मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शन है या तो कस्टडी बढ़ा दे या तो छोड़ दे छोड़ दे तो बात ही खत्म हो गई कस्टडी अगर बढ़ाना है तो मैक्सिमम कितने दिन की बढ़ा सकता है वो मजिस्ट्रेट इस ये सारी अब जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं ये सीआरपीसी के 167 में दी है अब जो मजिस्ट्रेट कस्टडी बढ़ाएगा वो मैक्सिमम 15 दिन 24 घंटे में खत्म नहीं हुआ इसलिए उस 24 घंटे खत्म होने के पहले आप मजिस्ट्रेट के पास ले गए विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स आपको लेके जाना है अब वो आपको कस्टडी ऑथोराइज करेगा वो कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन की होगी तो वो कस्टडी होगी आपकी मैक्सिमम पंद्रह दिन की तो मान लीजिए यहां पे वो कस्टडी आपकी कंप्लीट हो रही है ये कितना हो गया आपका फिफ्टीन डेज पंद्रह दिन की कस्टडी मिली पुलिस को किसने ऑथोराइज करी है कस्टडी मजिस्ट्रेट ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है एग्जीक्यूटिव के बारे में भी प्रोविजन है बट उसको सात दिन की लिमिट है टेक्निकलिटी में फिलहाल नहीं जा रहे। प्रोविजन पढ़ेंगे तब तो देखेंगे। अभी इतना समझिए मजिस्ट्रेट के पास कस्टडी बढ़ाने का अधिकार है जब आप अक्यूज अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करेंगे उसके सामने अब यहां पंद्रह दिन की ये जो कस्टडी है इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पंद्रह दिन की कस्टडी है इट कैन बी दीज फिफ्टीन डेज कैन बी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी वट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कस्टडीज बताइए जुडिशियल और पुलिस कस्टडी में क्या डिफरेंस है भैया हा <coughs> <coughs> पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में रहेंगे <coughs> और जुडिशियल कस्टडी में जेल में रहेंगे ठीक पुलिस कस्टडी मतलब वो पुलिस स्टेशन में ही होता है पुलिस जब चाहे तब इंटेरोगेट करती है रोज जो आ रहा है नया ड्यूटी पे चार लपाड़े लगा रहा है ये कार्यक्रम होता है पुलिस कस्टडी का लेकिन जुडिशियल कस्टडी क्या है जो जेल होता है जेल अथॉरिटी सेपरेट है जो इन्वेस्टिगेशन करता है थाना जो होता है उससे अलग होती है जेल अथॉरिटीज वो होती है जुडिशियल कस्टडी वो मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होती है वहां अगर इन्हें पूछताछ इंटेरोगेशन रिमांड करनी है तो परमिशन लेनी पड़ती है मैजिस्ट्रेट की जब तक वो पुलिस कस्टडी में कोई परमिशन नहीं जो आ रहा वो चार लपाड़े लगाएगा ये सीन होता है पुलिस कस्टडी का एक बात ध्यान रखना अरेस्ट होने के बाद पहले पंद्रह दिन में ही सिर्फ इस पहले पंद्रह दिन में ही पुलिस कस्टडी दी जा सकती है इसके अलावा पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती पुलिस कस्टडी सिर्फ इन दिन में मिलेगी। इट कैन बी इधर पुलिस कस्टडी इट कैन बी इधर जुडिशियल तीन दिन की पुलिस कस्टडी चार दिन की जुडिशियल कस्टडी कुछ भी दे सकते हैं लेकिन इस पंद्रह दिन के बाद जो कस्टडी अभी और एक्सटेंड होगी कस्टडी क्योंकि दिन में कहा खत्म होता है अपने हाँ। लेकिन इस पंद्रह दिन में जो कस्टडी मिल सकती है वो पुलिस भी हो सकती है पुलिस कस्टडी भी मिल सकती है और पुलिस कस्टडी सिर्फ इस पंद्रह दिन में मिलेगी इसके बाद नहीं अब ये तो किसी भी मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज कर दी थी पंद्रह दिन की कस्टडी पुलिस को जो नियर बाय मजिस्ट्रेट मिला वो अरेस्टेड पर्सन के उसके पास ले लेगा और उससे उन्होंने कस्टडी एक्सटेंड करा ली फॉर डेज लेकिन अब उसके बाद वो मजिस्ट्रेट फॉरवर्ड कर देता है कि उसको किसके पास एरिया मजिस्ट्रेट जिसका जुरिस्डिक्शन है जिसको केस की ट्रायल करनी है जिसके जुरिस्डिक्शन का केस है उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे अब फर्दर अगर इसकी कस्टडी बढ़ाना है पुलिस कह रही साहब अभी तो इन्वेस्टिगेशन अभी कहां कंप्लीट हुआ पंद्रह दिन हो गए पंद्रह दिन कंप्लीट हो गए लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ और पुलिस का कहना है साहब इसको अभी और एक्सटेंड करिए इस कस्टडी को अभी तो और बढ़ाए बढ़ा इसको तो अभी और चलेगा इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे केस में इस पंद्रह दिन से बढ़ा के फर्दर ये हो गए थे आपके फिफ्टीन डेज इसको फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है इसको फर्दर कितने दिन के लिए इंक्रीज किया जा सकता है तो उस बात को समझिए यह पहुंचेगा इधर इट विल बी इधर सिक्सटी डेज और नाइंटी डेज टोटल मिला के टोटल मिला पनिशेबल ऑफेंस है दस साल के ऊपर पनिशेबल ऑफेंस का है नब्बे दिन इंक्लूडिंग दीज फिफ्टीन है ये पंद्रह दिन तो हो ही गए थे पैतालीस और बढ़ा दिए पंद्रह दिन तो हो गए थे और दिए, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ इतने दिन की और कस्टडी मिल जाएगी अब ये कस्टडी क्यों मिल रही है पुलिस को मजे लेने के लिए नहीं मिल रही है आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मिल रही है तो करिए ना कंप्लीट ये एक तरीके का चेक है कि इसमें आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर मान लीजिए अभी भी इन्वेस्टिगेशन दो सिचुएशन होगी या तो इस पीरियड में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा या तो नहीं होगा वो पुलिस अपनी रिपोर्ट बना लेगी जो अभी मैंने बताई थी पुलिस रिपोर्ट या तो वो कंप्लीट हो जाएगी या तो नहीं होगी अगर वो कंप्लीट नहीं होती है अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कंप्लीट नहीं होता है इस ड्यूरेशन में साठ या नब्बे दिन के इन दैट केस क्या होगा डिफॉल्ट बेल कहते हैं इसको मैंडेटरी बेल कहते हैं यहां अक्यूज एंडाइटल है क्या लेने के लिए बेल और इसको क्या कहते हैं मैंडेटरी बेल या डिफॉल्ट बेल देना ही देना है राइट right हो गया उसका सिक्योरिटी अगर वो फर्निश कर रहा है तो उसको बेल मिलेगी देना ही नहीं कर सकते इससे ज्यादा आप उसको जेल में नहीं रख सकते इन्वेस्टिगेशन में आप इन्वेस्टिगेशन इसीलिए ये एक चेक है पुलिस के ऊपर कि भैया इतने दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो नहीं छोड़ दिया जाएगा आप फिर आपको कस्टडी में नहीं मिलेगा वो आप करते रहना इन्वेस्टिगेशन बेल पे निकल जाएगा बाहर अब इस कहानी के बीच में कुछ दो चार बातें हो सकती हैं जब ये 24 घंटे के लिए लेके आए पहली बार में जब अरेस्ट करके पुलिस लेके आई अरेस्ट के चार घंटे के अंदर ही उन्हें समझ में आ गया कि यार ये व्यक्ति तो निर्दोष है जो पहले के जो चार घंटे अरेस्ट करते ही लाए अभी 24 घंटे कंप्लीट नहीं हुए हैं और इसी में समझ में आ गया है कि साहब ये तो दोषी नहीं है फालतू पकड़ लाए क्या पुलिस छोड़ सकती है मजिस्ट्रेट के पास तो तब ले जाना है बेटा अपने को जब 24 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा 24 से ज्यादा रखना है अगर उसके पहले ही अगर आपको लग रहा है कि यार ठीक है जाने दो कोई कोई मतलब नहीं है इसको रख के इधर इन दैट केस आप क्या करेंगे उसको छोड़ देंगे तुरंत तो। पुलिस को छोड़ देगी क्योंकि आपने अभी मजिस्ट्रेट से अथॉरिटी तो ली नहीं है आगे की आप ही अरेस्ट करके लाए थे दो चार घंटे उसको निपटाओ जो करना और भेज दो तो यहां 24 घंटे के पहले अगर उसको छोड़ना है रिलीज करना है अरेस्टेड पर्सन को तो पुलिस खुद से कर सकती है। पुलिस खुद से रिलीज कर देगी लेकिन मान लीजिए 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ था आपने उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया और मजिस्ट्रेट से आपने ऑथोराइज कराई है कस्टडी पंद्रह दिन वाली अब मान लीजिए इधर कहीं पे कहीं इस किसी स्टेज पे आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया मान लीजिए यहां कहीं आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया और आपने इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि ये व्यक्ति दोषी नहीं है क्लोजर रिपोर्ट तो क्या पुलिस छोड़ देगी अरेस्टेड पर्सन को नहीं छोड़ेगी क्यों क्योंकि कस्टडी ऑथराइज किसने करी है मजिस्ट्रेट ने अब छोड़ने का पावर किसका है Magistrate. तीन एग्जाम निकाल के बैठा हो आप कुछ इज्जत करो है ना तो जो मजिस्ट्रेट है अगर उसने कस्टडी बढ़ाई है और तो, देखो 24 घंटे आपके थे इसमें जो आपने किया आप पकड़े छोड़ो कर सकते हो बट इधर जब ऑथोराइज मजिस्ट्रेट ने कर दी है ना अब आप नहीं छोड़ेंगे अब मजिस्ट्रेट छोड़ेगा पिक्चरों आपने देखा होगा जो हीरो पुलिस वाला होता है उसके पास जब ऊपर से फोन आता है कि वो जिसको अरेस्ट किया छोड़ दो वो क्या बोलता है मेरा हाथ में नहीं है अब तो मजिस्ट्रेट के हाथ में छोड़ना और पकड़ना क्यों क्योंकि हमने उसको प्रोड्यूस कर दिया, के सामने और किसको देने पड़ेंगे मजिस्ट्रेट अब पुलिस वाला नहीं छोड़वा रिलीज नहीं कर सकता बात समझ रहे हो ये पूरी कहानी यहां तक चलेगी अब आप छोड़ ही नहीं सकते क्लोजर रिपोर्ट आप फाइल करो द मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड छोड़ना नहीं छोड़ना डिसाइड अगर आप चार्जशीट फाइल कर देते हैं इधर इस बीच में कहीं पे भी ये तो मैं कह रहा हूं आपने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी पुलिस रिपोर्ट में अगर आपने चार्जशीट फाइल कर दी बस अब तो कहानी अब ये मैंडेटरी बेल खत्म अगर आपने इधर पे कहीं पे भी इधर कहीं पे आपने चार्जशीट अगर फाइल कर दी है सफिशियंट एविडेंसेस हैं आपके पास बस अब तो वो जुडिशियल का स्टडी है ही है आपके पास वो व्यक्ति आपका स्टडी में है ये अब उसको रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी अगर उसको निकलना बाहर तो ये वाली बेल खत्म अब उसको रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी अलग से उसके अलग प्रावधान है सीआरपीसी में और उसके थ्रू वो बाहर होगा ये जो कहानी साठ दिन नब्बे दिन पंद्रह दिन की है ये वन में मिलेगी आपको सीआरपीसी की आई होप दिस इज क्लियर अब ये जो छोड़ने पकड़ने की कहानी है 169 160, 170 में दी है जरा एक बार 169 और 170 प्रोविजन सिर्फ कंटेंट अभी उधर जाने ही नहीं है मेन उसमें कंटेंट में देखिए जरा 169 में लिखा है रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट कहने का मतलब क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी आपने सफिशिएंट एविडेंस छोड़ दे खुद नहीं छोड़ेगी पुलिस छोड़ेंगे मजिस्ट्रेट आप क्लोजर रिपोर्ट फाइल करिए छोड़ देंगे 70 170 केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेटिटेंसिशियंट चार्जशीट सफिशियंट है तो फिर अब लेके जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट आगे कहानी चालू हाँ कुछ कह रहे थे तरुण हम्म उसपे भी आ रहा हूं दो मिनट उसपे भी आ रहा हूं तो ये अपन ने किसके सेंट्रिक कहानी देखी अभी पुलिस के सेंट्रिक अभी अपन किसका सब पावर हावर और किसकी बात कर रहे हैं पुलिस की बात कर रहे हैं अब तुम्हारा जो डाउट है कि जब क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने तो फाइल कर दी लेकिन मान लीजिए मजिस्ट्रेट ऑफ ओपिनियन की पुलिस ने पैसे ले इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया मजिस्ट्रेट तो के पास क्या पावर है फिर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि या तो वो इन्वेस्टिगेशन फिर से करा दे और या तो वो उसको कंप्लेंट केस की

आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि नहीं करना है आपका डिस्क्रिप्शन है आप देखेंगे केस में दम है कि नहीं तो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे या तो नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो पूरी कहानी हमने सुन ली वट इफ दुलिस डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट आपको इन्वेस्टिगेट करना है या ना आप ना करें अकरेंस रिपोर्ट तो आपको भेजनी है और ये अकरेंस रिपोर्ट आप किसको भेज रहे हैं जब आपने अकरेंस रिपोर्ट भेजी उसके साथ आप एक एंडोर्समेंट भेजते हैं पुलिस एक एंडोर्समेंट भेजती है whether we are investigating this case or not. अगर अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो फिर ये सारी कहानी हो जाएगी अगर आपने एंडोर्समेंट रिपोर्ट में लिखा है कि साहब हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन तो आई है की हमें इसमें कुछ सबस्टिव नहीं लग रहा जहां पुलिस ने यह बोल दिया उस एंडोर्समेंट में यह कर दिया कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं इधर किसका पावर चालू हो जाएगा मैजिस्ट्रेट का अब मैजिस्ट्रेट या तो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है या खुद इंक्वायरी करेगा जब पुलिस कलेक्शन ऑफ एविडेंस करती है उस प्रोसेस को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं मजिस्ट्रेट जब यही काम करता है उसको कहते हैं इंक्वायरी ट्रायल के अलावा जितना कुछ मजिस्ट्रेट करता है वो सब इंक्वायरी होती है और इस इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि अगर मान लीजिए देखो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है तो मजिस्ट्रेट का कोई पावर नहीं है उधर आप चुपचाप बैठी जब तक आपके पास अब रिपोर्ट नहीं आ रही कॉग्निजेंस लेने के लिए तब तक आप बीच में अब नहीं बोलेंगे कैसे इन्वेस्टिगेट करना क्या करना किसका पावर है पुलिस का पावर है इसीलिए पुलिस को हल्के में लेना पावर किसका पुलिस का लेकिन मान लीजिए पुलिस ने कहा साहब हम तो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे क्योंकि केस में कोई दम नहीं है इन दैट केस द मजिस्ट्रेट विल कम इन टू पिक्चर और यहां प्रावधान आता है आपका वन फिफ्टी नाइन देखिए जरा कंटेंट में वन फिफ्टी नाइन पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट का पावर है लेकिन ये, होता है ये वहां के लिए है. कि आप या तो इंक्वायरी तो करिए खुद <coughs> और किसको आगे बढ़ाइए भाई इन्फॉर्मेंट गया था पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन लेके पुलिस ने एफ आई आर लिख ली लेकिन फिर बोल दिया कि अरे कोई मतलब नहीं हमें तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे उसके लिए भी सीआरपीसी में प्रावधान है कि अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेट नहीं करना है तो इन्फॉर्मेंट को आपको इन्फॉर्म करना है इस बात का इस बात की इन्फॉर्मेशन आपको आप, आपको उस इन्फॉर्मेंट को देनी है कि आपको उस आ, केस में दम नहीं लगी है और आप इन्वेस्टिगेट आगे नहीं करेंगे ये बात आप इन्फॉर्मेंट को भी बताएंगे और ये जो इन्फॉर्मेंट है अब इसके पास क्या ऑप्शन है ये जाएगा मजिस्ट्रेट के पास क्योंकि तो पुलिस नहीं है तो मजिस्ट्रेट ये जाएगा किसके पास मैजिस्ट्रेट और कंप्लेंट केस की तरह मजिस्ट्रेट तो कर ही सकता है ये है स्ट्रक्चर आपके सीआरपीसी का बेसिकली दैट्स हाउ थिंग्स आर डन अब इसके बीच में भी बहुत कुछ है अब एक बार कंटेंट वाले पोर्शन से इसके बीच में या इसके पहले कई सारी चीजें हैं उसके बारे में भी एक बार बात करते हैं और उसके बारे में बात करेंगे कंटेंट के थ्रू जरा मेरे एक दो डाउट है वो देख लूं तो अगर पुलिस ने पैसे लेके रिपोर्ट बनाई है तो मजिस्ट्रेट दोबारा ऑर्डर करेगा भी इन्वेस्टिगेशन का तो भी पुलिस क्यों करेगी सही इन्वेस्टिगेशन यही तो बात है कि क्यों करेगी बेटा किसी और से करा सकता है जरूरी नहीं है कि वो उसी पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन कराए वो दूसरे से करा सकता है और इसीलिए उसके पास पावर है या तो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस तो मक्कारी ही करेगी तो आप इंक्वायरी करिए आपके पास 159 में दोनों पावर हैं इधर यू कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन और यू कैन कंडक्ट एन इंक्वायरी बाय योरसेल्फ तो आपको भरोसा नहीं है पुलिस पर तो आप इंक्वायरी करिए कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें ठीक दीपक का डाउट है सर स्टार्टिंग के 24 घंटे भी इंक्लूड होंगे यस अरेस्ट से ही गिना जाएगा बेटा पंद्रह दिन रिस से ही गिना जाएगा पंद्रह दिन तो ये समझ में आया आपके ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आया अब जरा एक बार कंटेंट निकालिए अपने बेरेक्ट में तो जो और दो चार पांच चीजें हैं सबका एक ब्रॉड आइडिया मैं आपको दे दूं देखिए सीआरपीसी स्टार्ट हो रहा है अब ये सब तो बीच में आ गई थी चीजें इधर की उधर एक बार बेरेक्ट के कंटेंट में ऑर्गेनाइज तरीके से पहले चैप्टर से अपन देखते हैं पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी एक से चार डेफिनेशन दी है सेक्शन टू में बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लेंट क्या होता है इन्वेस्टिगेशन क्या होता है इंक्वायरी क्या होता है सब बताया उधर तो एक से चार प्रिलिमिनरी हो गया फिर आप चैप्टर टू देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स इसमें इस पूरे चैप्टर में यह बताया है कि कौन कौन से कोर्ट होते हैं कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं कौन उनको अपॉइंट करता है ये सारी बातें सेशंस कोर्ट होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट होंगे मजिस्ट्रेट क्लास वन होगा मजिस्ट्रेट क्लास टू होगा सीजेएम होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा ये सब कहा बताया है इस पूरे चैप्टर में बताया है इनको कौन अपॉइंट करेगा कितने कोर्ट होंगे सारी बातें चैप्टर थ्री देखिए पावर ऑफ कोर्ट किस कोर्ट के पास कितना पावर होगा पावर को कैसे मेजर किया जाता है यहां टेरिटोरियल जूरिस्टिक्शन की बात नहीं है ये पावर की बात है पावर कैसे मेजर होगा कितना पनिशमेंट आप दे पाएंगे जैसे मजिस्ट्रेट क्लास वन जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितना पनिशमेंट दे सकता है इंप्रेजनमेंट कितने दिन का जेएमएफसी थ्री इयर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एक साल सीजेएम सात साल असिस्टेंट सेशन जज असिस्टेंट सेशन जज दस साल ये पावर बताया इस पूरे चैप्टर में अगला चैप्टर देखिए पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस सुपीरियर ऑफिसर एक तो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सीआरपीसी में जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है उसके ऊपर जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ये प्रावधान बस ये कहता है कि उनके पास भी सेम पावर होंगे जैसे ऑफिसर इंचार्ज के ऑफ पुलिस स्टेशन के पास जो पावर होते हैं अपने पुलिस स्टेशन के जुरुस्डिक्शन में वो सारे के सारे पावर उसके सीनियर ऑफिसर के पास भी होते हैं जितना उसका टेरिटोरियल जुरुस्डिक्शन है उसमें जैसे एसपी पूरे जिले का होता है तो पूरे जिले में उसके पास वो पावर है जो एक पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास अपने जोरिस्डिक्शन में होते हैं बस इतना बताया अगला चैप्टर देखिए उसी में जो बी पार्ट है एट टू मजिस्ट्रेट एंड दी पुलिस आपकी जिम्मेदारी लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी है सीआरपीसी ने कि आपको किसी बात की जानकारी है कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस आपसे हेल्प मांग रहा है आपको हेल्प करना है ये है पूरा बी पार्ट इसका अगला चैप्टर देखिए चैप्टर पांच अरेस्ट ऑफ पर्सन बता चुका हूं इसके बारे में अरेस्ट का क्या प्रोसीजर होगा कैसे करना वो सारी कहानी इधर पढ़ेंगे अपन, इसके बाद अपन। प्रोसेस अपीरेंस। इस को समझना। प्रोसेस आपको तो मैंने कहा था पहले इज्जत से बुलाएंगे ए पार्ट देखिए समन समन भेजेंगे समन किसको एड्रेस होती है उसी व्यक्ति को एड्रेस होती है समन्स कि भाई साहब आपको इस डेट पे इस समय कोर्ट में पेश होना है यह है समन्स उसका बी पार्ट देखिए वारंट ऑफ अरेस्ट आप इज्जत के लायक नहीं है तो आपका वारंट अरेस्ट का वारंट निकलेगा और ये कौन पुलिस एग्जीक्यूट करती है जनरली और पुलिस बिना लापाड़े लगाए आपको लेके नहीं आएगी तो इसीलिए थोड़ा इज्जती के साथ लाएंगे अगर आपका अरेस्ट वारंट भी है या मान लीजिए आप उसके बाद भी मिल नहीं रहे हैं तो आपका प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट हो सकता है सी पार्ट में प्रोक्लेमेशन में एक डिक्लेरेशन कर दिया जाता है कि इस समय आपको आना है कोर्ट और साथ में प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है प्रॉपर्टी अटैच करने का पर्पज क्या है कोर्ट का आपकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं कोर्ट को आपकी अपीयरेंस में इंटरेस्ट है चैप्टर का नाम क्या है अपीयरेंस कोर्ट क्या चाहता है कि आप कोर्ट के सामने आ जाए इसलिए वो आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेता है कि आप ऐसे तो नहीं डर रहे थे कम से कम प्रॉपर्टी जाएगी तो शायद आप सामने आ जाए इसीलिए पूरा प्रोसेस है सो so, ये पूरा एक चैप्टर है इसके बाद अगला चैप्टर है प्रोसेस टू कंपेल दी प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स जैसे व्यक्ति को बुलाने का प्रोसेस है चीजें कोर्ट में बुलवाने का प्रोसेस इस चैप्टर में कोई डॉक्यूमेंट बुलवाना है कोई चीज बुलवाना है उसको कैसे बुलवाया जाएगा उसके लिए भी या तो समन भेजा जाएगा या तो वारंट सर्च वॉरेंट ढूंढ के ले आओ या तो इज्जत से जिसके पास है उसको समन भेज देंगे भैया तू ले आना ये चीज तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है कोर्ट में लेना इस दिन और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं लाएगा या पता ही नहीं कहां है

सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर अब ये ऑफेंस वाली बात में नहीं आता जो अभी मैंने आपको ये कहानी सुनाई कि ऑफेंस हुआ फिर कहानी चालू हुई ये अलग है ये अलग कहानी है ये प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत आता है अभी जो दो चार चीजें इधर हैं ये प्रिवेंटिव प्रेविंट। मतलब देखो एक तो है कि आईपीसी के हिसाब से ऑफेंस कमिट हो गया तब क्या करेंगे वो कहानी सुन ली ऑफेंस होने से बचाना भी तो है तो उसका कम पार्ट है सीआरपीसी में बट ऑफेंस होने से बचाना भी तो है ऑफेंस कमिट हो ना उसके लिए ये चीजें हैं ये जो पूरा चैप्टर है गुड बिहेवियर और सिक्योरिटी के लिए जो लफंगे लोग हैं सोसाइटी के युवा नेता उनसे बॉन्ड भरवाया जाता है ऐसा लगता है जहां भी कि भाई ये व्यक्ति कुछ डिस्टर्ब अलग अलग प्रावधान है अलग अलग चीजों के लिए कन्विक्टेड व्यक्तियों से बॉन्ड भरवा लिया जाता है आप कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस के कन्विक्ट हैं सजा सुनाते समय आपसे बॉन्ड भरवाएंगे कि इस बार तो सजा दे दिए अगली बार बेटा ये होना नहीं चाहिए बॉन्ड भर के दो दिन का हमें। तीन साल का बॉन्ड भर के दो कि आगे ये हरकत नहीं करोगे किसी ने अभी नहीं करी है लेकिन अंदेशा है है कि ये हरकत कर सकता है, उससे उसके बाद आपने उसका वॉयलेशन किया तो फिर पेनल्टीज है उस पर तो ये पूरी कहानी उससे रिलेटेड है।, है इसके बाद अगला चैप्टर देखिए चैप्टर नाइन मेंटेनेंस ये सीआरपीसी का सबस्टेंटिव पार्ट भी डील करता है थोड़ा सा मेंटेनेंस का राइट रिकॉग्नाइज करता है 125 से 128 वाइफ के पास अधिकार है हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का माइनर चाइल्ड के पास अधिकार है पेरेंट से माइनर चाइल्ड के पास ये जो रोज पापा से मांग लेते हो ना 200 सौ लपाड़ा मार देंगे किसी दिन पापा भगा देंगे माइनर थे तब तक ठीक है अब नहीं इसलिए थोड़ा ही समय है पढ़ लो थोड़े टाइम बाद जो सौ दो सौ मिल रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगे और आप लीगली मांग नहीं सकते है ना और पता ही होगा एंसेस्ट्रल या एंसेस्ट्रल जो है, उसमें जरूर आपका अधिकार है अधिकार नहीं है पापा किसी भी दिन लात मार के भगा देंगे इसलिए ये मत सोचना की अपना तो अरे राम बंगला है पापा का है आपका नहीं निकालना पड़ेगा उसके लिए पड़ेगा ठीक है तो ये जो मेंटेनेंस है ये माइनर चाइल्ड के लिए है और पेरेंट्स मांग सकते हैं अपने चाइल्ड से मेंटेनेंस। सिविल में भी प्रोविजन है जैसे फैमिली लॉज में है जो पर्सनल लॉज है वहां मेंटेनेंस का प्रावधान है ये क्रिमिनल उसमें इसलिए जोड़ दिया गया ताकि उसको मैंडेटरली अप्लाई कराया जा सके सिविल सूट लंबा प्रोसेस है लंबा चलेगा तब तक आदमी क्या करेगा तब तक क्या खाएगा इसीलिए उसको क्रिमिनल में ऐड कर दिया गया कि इधर से ले लो फिर बाद में मिटिगेट होता है अगर आप यहां से ले, ले चुके हैं कुछ मेंटेनेंस और फिर आपने सिविल सूट भी फाइल कर रखा है तो फिर मिटिगेशन होगा कि ऑलरेडी जो ले लिया वो अमाउंट कम हो जाएगा होगा। <laughs> ये होगा बट ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है इधर अरेस्ट वरेस्ट होता है लफाड़े पड़ते हैं सिविल में सब नहीं होता दैट्स द डिफरेंस इधर जेल वेल जाना पड़ेगा नहीं दिया ठीक प्रॉपर्टी ऑपर्टी अटैच हो जाती है इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर टेन ये वही के जो काम है ना जैसे ये चैप्टर एट में देखा ये जो <coughs> सिक्योरिटी के बॉन्ड भरवा रहे हैं ये सारा काम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं डीएमएसडीएम ये लोग आई एस होते तो इनका काम है ये प्रिवेंटिव मेजर का नॉर्मली कुछ जगह एक दो चार जगह जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी है बट कम है मेजोरिटी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खेल करते हैं ये सारा तो ये इसके बाद जो आप देख रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड इसमें भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ही रोल है धारा 144 जो आपने सुनी होगी वो सीआरपीसी की 144 है वो भी इसके तहत है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो भीड़ भाड़ लड़ाई लड़ा, दंगे ना हो प्रॉपर्टी को लोगों डिस्प्यूट है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे रिलेटेड ऑर्डर इशू कर देगा लड़ो मत

ऐसा नहीं कि आपने ऑफेंस कमिट किया या इन्फॉर्मेशन है आप अक्यूज हैं तभी अरेस्ट होंगे अंदेशे पे भी सस्पेशन पे भी पुलिस के पास भी पावर है प्रिवेंटिव एक्शन के तहत अरेस्ट करने के और भी सारे पावर्स इधर पे दिए हुए हैं ठीक इसके बाद देखिए फिर अपना वही चैप्टर आ गया चैप्टर बारह इंफॉर्मेशन टू दी पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन ये तो मैंने आपको इसके तो कुछ प्रोविजन भी बता दिए जो उस प्रोसेस में आ रहे थे तो यह पूरा चैप्टर आएगा उसके बाद अगला चैप्टर देखिए ज्यूरिस्टिक्शन ऑफ द द्रिमिनल कोर्ट इन ट्रायल ये टेरिटोरियल की बात है कहा तो किस कोर्ट के पास जाएगा ये पूरा चैप्टर उससे डील करता है ठीक इसके बाद अगला चैप्टर देखिए कंडीशन फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग जो मैंने आपको बताया ना ये इधर से प्रोसेस इनिशिएट हो रही है ये वाली इसकी बात चल रही है तो कॉग्निजेंस के बारे में इस चैप्टर में बताया है और इसकी प्री रिक्वेजिट बताई है कंडीशन रिक्वेजिट फॉर इनिशिएशन कब कॉग्निजेंस लेना है कब नहीं लेना वो सब बताया है किसकी कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेना है क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी है कॉग्निजेंस के पहले ये सारी कहानी इस चैप्टर में बताई है कॉग्निजेंस होता क्या है ये बताया है कौन लेता है में और प्री रिक्वेट क्या, क्या चीजें फुलफिल होनी है तो कॉग्निजेंस लेना है ये बताया है इस पूरे चैप्टर के अंदर अगला चैप्टर देखिए कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट ये वाली कहानी ये अपन देख चुके हैं उसके बाद अगला चैप्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट ये इश्यू ऑफ प्रोसेस ये पूरा

अगर लगता है डिस्चार्ज करना है डिस्चार्ज कर देंगे नहीं तो आगे चार्ज फ्रेम करेंगे फिर उससे पूछेंगे सारी कहानी इधर से कन्विक्शन एक्विटल तक जाएगी कहानी सेशन की उसके बाद अगला चैप्टर देखिए ट्रायल ऑफ वॉरेंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट वॉरेंट केस समन केस दो अलग अलग है समन केस कितने साल तक पनिशेबल ऑफेंस के होते हैं समन केस अरे बताओ भाई समन केस कितने साल तक पनिशेबल ऑफेंस समन केस होते हैं है? सीआरपीसी पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले रात को आठ बजे जा। आज जाके देखना पहले लाइक करना पांच सब्सक्राइबर बढ़वाना उसके बाद देखना ये पनिशमेंट है तुम्हारा ये नहीं पता कि समन और वारंट केस क्या है पूरा सीआरपीसी अभी मैंने रिवाइज वारंट वारंट में इशू ऑफ प्रोसेस वारंट दे सकते हैं। बाकी में समन ही देना है। तो ये है समन केस वारंट केस तो इशू ऑफ प्रोसेस के कहानी आप समझिए गए इसके बाद देखिए चैप्टर नेक्स्ट <coughs> तो ये है मजिस्ट्रेट की ट्रायल वारंट केस की ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट उसके बाद है ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट अगला चैप्टर ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है सेशन वारंट ट्रायल सब ऑलमोस्ट सिमिलर बीच में थोड़ा थोड़ा प्रोसेस कम कर दिया गया है छोटा केस कम प्रोसेस बड़ा केस सीरियस केस लंबा प्रोसेस इतना सा डिफरेंस उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखिए समरी ट्रायल जो बहुत ही छोटा पोटोर मैटर है उनके लिए समरी ऐसे निपटाओ क्रैश कोर्स टाइप ये वो है सेशन ट्रायल फाउंडेशन इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्ली बार्गेनिंग ये एक अलग प्रोसेस है अब इसको लेके बड़ा विवाद भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं प्ली बार्गेनिंग में क्या हो जाता है मोलभाव हो जाता है पनिशमेंट का से कहते हैं अब वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है अक्यूज अगर खुद से मान ले कि हाँ साहब मैंने इतना किया है इतने के लिए छोड़ दो बाकी रहन दो बाकी के चार्जेस खत्म करो बाकी पनिशमेंट छोड़ो इतने के लिए मुझे पनिश कर दो। दोनों के बीच में एक म्यूचुअल सेटलमेंट होता है प्रोसिक्यूशन और के बीच में और छोड़ दिया जाता है में सेंटेंस बार्गेनिंग चार्ज बार्गेनिंग दो अलग अलग होती है भारत में कौन सी अप्लीकेबल है और अमेरिका में कौन सी अप्लीकेबल है यूके में कौन सी ये सब बातें अपन करेंगे अभी आज ही थोड़ी सब पढ़ा देंगे डेमो कैसे लेंगे थब पढ़ाएंगे सब आज ही पढ़ तो ये सब प्ली बार्गेनिंग ठीक इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अटेंडेंस ऑफ पर्सन कंफाइंड और प्रेजेंट कोई भी व्यक्ति जेल में है तो उसकी अटेंडेंस कैसे पढ़ना नहीं है जोडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है काट दीजिए चैप्टर अगला देखिए एविडेंस एंड इंक्वायरी एंड ट्रायल ये अलग से कुछ प्रोविजन हैं कम चीजें पढ़नी है इसमें से बट चैप्टर एज अ होल आप छोड़ नहीं सकते पढ़ना है इसमें कैसे एविडेंसेस लिए जाएंगे इंक्वायरी ट्रायल में कौन रिकॉर्ड करेगा लैंग्वेज क्या होगी ये सारी कहानी इधर दी हुई है किस तरीके से लिखे जाएंगे अगला देखिए चैप्टर जनरल प्रोविजन आज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल ट्वेंटी इसमें कुछ जनरल प्रावधान दिए हैं कि एक बार बंदा कन्विक्ट हो गया तो दोबारा नहीं करेंगे पार्टन देना है जो आपने सुना है पुलिस बोलती है कि चलो तुमको सरकारी गवाह बनवा देंगे ये सुना है आपने ये सारी कहानी इधर है 306 से स्टार्ट होती है पार्डन देना इसके अलावा इधर और चीजें हैं कि जब इंक्वायरी और ट्रायल होगी तो कोर्ट अपने से सवाल कर सकता है किन विटनेस को बुला सकता है कोर्ट को लगता है कि जिसको पुलिस अक्यूज बना के लाई इसके अलावा कोई और ही असली खिलाड़ी तो कोई और ही है तो मजिस्ट्रेट जिसको चाहे ऑर्डर करके कोर्ट में बुला लेंगे समन भेजेंगे जब से आगे तो ठीक नहीं तो वारंट भेज के बुलवा लेंगे तो कुछ जनरल प्रोविजन ट्रायल इंक्वायरी से रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में आएंगे उंडिंग ऑफ ऑफेंस है इधर कंपाउंडिंग समझते हैं म्यूचुअल सेटलमेंट पार्टी सेटल कर लेती है मैटर उसको कहते हैं, compounding of 320 में है ही, इसी में तो यह चैप्टर मिसलेनियस प्रावधान रखता है बहुत सारे अगला चैप्टर देखिए प्रोविजन एज टू अक्यूज पर्सन ऑफ अन माइंड एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है ये चैप्टर इसके बाद है प्रोविजन एज टू ऑफेंसिस एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी जनरल उसके लिए थोड़ा आप कभी इंटरव्यू इंटरव्यू पूछ लें रीड जरूर कर लीजिएगा इसके प्रावधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन ये नहीं है कि अगर मान लीजिए अटेंडेंस रिक्वायर कराई आप नहीं आए तो क्या होगा ये सब थोड़ा बहुत बेसिक चीजें हैं आईपीसी में भी हमने पढ़ा है कोर्ट जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी के कंटेम्प से रिलेटेड ऑफेंसेस तो वैसी कुछ चीजें इधर है अगला चैप्टर देखिए जजमेंट दिस इज इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या होता है किस लैंग्वेज में लिखा जाता है क्या क्या कंटेंट होता है वो सारी बातें इधर पे वगैरह जो दिया जाता है वो इधर है काफी इंपॉर्टेंट है उसके बाद सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन देखिए भाई सेशन जज के पास अधिकार तो है डेथ पेनल्टी देने का लेकिन वो एब्सोल्यूट राइट right नहीं है अगर आप सेशन जज डेथ पेनल्टी देते हैं तो इट इज सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाई दी कोर्ट वो एग्जीक्यूट कब होती है जब हाई कोर्ट कंफर्म करता है उसके कंफर्मेशन से रिलेटेड चैप्टर है ये अगला चैप्टर देखिए अपील जो मैंने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने कन्वर्ट किया हो एक्विटल किया हो कुछ भी किया हो, उस रिलेटेड अपील जाएगी हायर कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने करा तो उससे ऊपर वाले पे जाएगी उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो सारा का सारे कहानी इस अपील वाले चैप्टर में डील करी गई अगला चैप्टर देखिए रेफरेंस एंड रिविजन रिव्यू नहीं है इधर सीपीसी पढ़ा आपने उसमें रिव्यू भी है क्रिमिनल कोर्ट रिव्यू रिव्यू मतलब होता है जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया वो खुद अपने जजमेंट को दोबारा देखे ये पावर क्रिमिनल कोर्ट के पास नहीं है

जैसे सुप्रीम कोर्ट का पावर है केस ट्रांसफर करने का सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जोरिस्टिक्शन क्या है पूरा भारत जहां से चाहे उठाए केस दूसरे कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दे पूरे भारत में कहीं भी हाई कोर्ट को ट्रांसफर करना है कहां से कहा कर सकता है अपने स्टेट में जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है अपने स्टेट में एक कोर्ट से उठा के दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर सेशन जज को करना है कहां कर सकता है अपने सेशन डिवीजन में ये पावर्स हैं ट्रांसफर के पूरा चैप्टर इसी के बारे में इसके बाद देखिए एग्जीक्यूशन सस्पेंशन रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस जो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस मिला है तो या तो एग्जीक्यूट होगा या तो उसको सस्पेंड या कम्यूट कर देंगे कम कर देंगे खत्म कर देंगे सेंटेंस उससे रिलेटेड सारे प्रावधान है इधर प्रेग्नेंट वुमेन को अगर डेथ पेनल्टी दी गई है तो उसे नेसेसरीली कन्वर्ट करना है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ में लाइफ इंप्रेजनमेंट ये सब प्रावधान है अगला चैप्टर देखिए प्रोविशन टू बेल एंड बॉन्ड बेल से रिलेटेड पूरा चैप्टर है ये नेक्स्ट 436 वो मैंडेटरी बेल अलग थी वो 167 में ही दिया है जो इधर मैंने बताया था आपको ये वाली जो बेल है ये अलग है इसके अलावा क्योंकि यहाँ चार्जशीट फाइल हो गई है अब बाकी उसके अलावा अगर आपको regular लेनी है तो इस चैप्टर के प्रावधान के हिसाब से आप रेगुलर बेल ले पाएंगे ये जो चैप्टर दिया है 436 थर्टी सिक्स उसके बाद डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चैप्टर है कुछ एक दो सेक्शन पढ़ना है बस जो प्रॉपर्टी वापर्टी अटैच होती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंपाउंड करता है कोर्ट उनका डिस्पोज ऑफ कैसे होगा कैसे उनको निपटाया जाएगा केस के बाद उससे रिलेटेड प्रावधान है कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट अगला चैप्टर प्रोसीडिंग क्योंकि सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है बहुत सारे रूल्स बताता है ये करना है ये नहीं करना है ये करना है ये, करना है, ये नहीं करना है अगर उसका वॉयलेशन हुआ तो उसका इंपैक्ट क्या होगा क्या उससे प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी या करेक्ट करके काम चला सकते हैं इसके बारे में जानकारी इधर मिलेगी ये जो पूरा चैप्टर है इेगुलर प्रोसीडिंग कि आपने सीआरपीसी में प्रावधान है किस मजिस्ट्रेट को क्या करना है किसको क्या नहीं करना है अगर उसका कंटरवेंशन उसके अगेंस्ट कोई चीज होती है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा क्या उससे पूरी प्रोसीडिंग विशिएट मान ली जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी इसके बारे में पूरा चैप्टर है कौन सी ऐसी इेगुलरिटीज हैं जिससे प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी कौन सी ऐसी हैं जिससे प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी वो पूरी कहानी इस चैप्टर में आपको मिल जाएगी अगला चैप्टर देखिए नेक्स्ट लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंस कॉग्निसेंस लेना है मजिस्ट्रेट को ये उसकी समय सीमा जैसे लिमिटेशन एक्ट है सिविल के लिए कि सिविल सूट कितने दिन में फाइल होना चाहिए उसके बाद आपका अधिकार खत्म हो जाता है रेमेडी लेने का कोर्ट से ऐसे ही यहां इस चैप्टर में लिमिटेशन दी है क्रिमिनल केसेस की कि आकरेंस होने के बाद ऑफेंस कमिट होने के बाद कितने दिन में कॉग्निसेंस होना है तो अप टू थ्री इयर्स पनिशेबल जो ऑफेंस है उन्हीं की लिमिट है तीन साल से ऊपर पनिशेबल जो ऑफेंस है उनकी कोई लिमिट नहीं है उसके बारे में पूरे प्रावधान इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा जाएगा इसको अगला चैप्टर मिसलेनियस है इनहेरेंट पावर है इंपॉर्टेंट इधर बाकी मिसलेनियस दो चार बातें हैं दैट्स हाउ द सीआरपीसी कम्स टू एन एंड बस यही है सीआरपीसी हो गया इतना अब बताइए हाँ

पुलिस के पास सारे पावर आ जाएंगे जो कॉग्निजेबल में होते हैं उनके पास अरेस्ट करने का पावर भी आ जाएगा बस परमिशन मजिस्ट्रेट की चाहिए पुलिस खुद से नहीं करेगी बाकी होगा सब कुछ यही तो भाई साहब यही है सी सीआरपीसी बस इतना ही अब अगर ये ओवरऑल पिक्चर आपने अपने जहन अभी अंदर और इंट्री हैं अभी तो मैंने ऊपर ऊपर एक पिक्चर बनाई है अभी तो अंदर छोटी छोटी जैसे ये एक अरेस्ट की पिक्चर अलग हमने देखी तो ऐसी बहुत सारी पिक्चर है सीआरपीसी में अभी बेल में आपको अलग एक पिक्चर दिखाऊंगा मैं कि वो डिफॉल्ट बेल अलग फिर इन्वेस्टिगेशन की जो अलग अलग चीजें चल रही थी वहां कौन सा कौन सी बेल लगी कैसे बेल हुई वो सारी बातें भी अपन डील करेंगे इसके अलावा आपको अभी ये भी समझना है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है दैट इज इन्वेस्टिगेशन जो मजिस्ट्रेट करता है अदर देन ट्रायल वो इंक्वायरी और उसके बाद ट्राई तो इन्वेस्टिगेशन तो चलिए सेपरेट है, है वो तो आपके थोड़ा समझ में आ गया यहां से ये यह जो कहानियां अपन ने देखी यहां आपके समझ में आया ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अब एक सवाल है मेरा आपसे कि अगर मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई है पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई है क्या इसके बाद भी सेम केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है उसके बाद भी पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी मान लीजिए चार्जशीट फाइल कर दी लेकिन पुलिस चाह रही है कि अभी थोड़े और एविडेंस हम लेके आएंगे ताकि जब हम ट्रायल में जाए तो हमारा केस और मजबूत हो तो क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कहा प्रावधानी सिक्स में तो पावर है कि हाँ आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं That's correct, कि सिक्स हाँ के तहत ही करेगी इन्वेस्टिगेशन बट इस बात का रिक्निशन किधर है वन सेवेंटी थ्री क्लॉज एट वो कोई अलग से इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं दे रहा ये बात बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टिगेशन का पावर तो वन फिफ्टी सिक्स ही मिला है, 173, 8, इस बात का है कि क्योंकि आपने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी इसका मतलब ये नहीं कि आपका इन्वेस्टिगेशन का पावर खत्म हो गया उसके अभी आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरीके के सवाल इंटरव्यू में पूछ लेते हैं तो हमें जब पढ़ना है सीआरपीसी तो कायदे में पढ़ना है प्री प्रीमेन्स इंटरव्यू सब I note, not only pre interview. कहीं चांस जज बन गए तो उधर भी काम करना ही है काम करने ही जा रहा है ना सैलरी लोग काम माहौल ऑल तो क्या दो एक महीने रहता है फोटो खिंचवाएंगे इंटरव्यू देंगे सब एक दो महीने होता है उसके बाद अल्टीमेटली इट्स अब काम करना पड़ेगा और उसके लिए सब आना चाहिए तो ये सिर्फ प्री मेन्स इंटरव्यू नहीं है ये एनी वेज इंपॉर्टेंट है उसके बाद भी काम आना है इसलिए जरा तरीके से पढ़िएगा इसको हवा में नहीं ठीक तो ये सारी जो कहानी थी अब इसमें जैसा मैंने आपको बताया कुछ कुछ और चीजें बीच में आएंगी जैसे बेल वेल से रिलेटेड थोड़े बहुत प्रोविजन और अभी उसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं फिर इंक्वायरी ट्रायल वाली जो चीजें हैं कि कैसे आप बेल दे रहे हो कहाँ कहां, -कहां आप कस्टडी ऑथोराइज कर रहे हो 167 की कहानी तो पन्ने पढ़ ली पंद्रह दिन वाली और वो सारी इसकी थोड़ी सी कहानी तीन में भी आपको मिलेगी तो अभी और जो वो तार कनेक्ट होते हैं ना इधर के उधर वो है अभी सीआरपीसी में और भी कई सारी इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी कन्फेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है लगभग एक क्लास पूरी लग जाती है मुझे कन्फेशन पढ़ाने में सिर्फ इतना कुछ है उसमें जानने के लिए एफ एक बड़ा टॉपिक है बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए अभी तो अपन ने ब्रीफ में बात कर ली की इन्फॉर्मेशन देते हैं अपन पुलिस को ऐसा नहीं है उसमें भी कहानियां है एक ही केस की तीन जगह एफ हो गई तब क्या करेंगे क्या ऑफिशियली थाने जाके एफ आई आर लिखाई है तभी एफ आई आर है या फोन पे किसी ने डायल हंड्रेड को फोन लगा देते हो ना कि लड़ाई हो गई मोहल्ले में कैन इट बी ट्रीटेड एज एन एफ आई आर बहुत सवाल है उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई है पुलिस के पास पास क्या पुलिस बाउंड है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए एफ करने के लिए या मना कर सकते हैं बहुत कुछ है तो एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा जाएगा अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखाई है सीआरपीसी कि सीआरपीसी पढ़ना कैसे और क्या क्या पढ़ना है इसके तहत अब आप प्रोविजन पढ़ेंगे ना तो इस, इस पूरी कहानी के अंदर ही कहीं ना कहीं वो चीजें फिट होती जाएंगी ये ओवरऑल पिक्चर अगर समझ में नहीं आती है तो सीआरपीसी जैसा सब्जेक्ट पढ़ने में कष्ट ज्यादा है अगर ये समझ में आ गया है तो फिर ज्यादा कुछ नहीं है ठीक तो अब इसके आगे की कहानी अपन डिस्कस करेंगे कल कल हम स्टार्ट करेंगे विथ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल अभी मैंने उसको इसके बीच में नहीं लाया हूं आज इतना पचा लीजिए उसके बाद एक दूसरी इसी में अब डिवीजन हो जाएगा क्योंकि इन्हीं में इन्वेस्टिगेशन है कहीं कुछ इंक्वायरी का पार्ट है और कहीं ट्रायल चालू हो गई है उसके बारे में मैंने आज बात नहीं करी है उसके बारे में बात करूंगा कल कहां इन्वेस्टिगेशन कितना इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी क्या ट्रायल मेंस का क्वेश्चन है और मेंस में सवाल आता है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल को डिफरेंशिएट करने का तो उसको हमें समझना है कल हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके प्रोविजन वाइज पढ़ना शुरू के जो चैप्टर हैं अरेस्ट से पहले तक के जो वो आ, आपका दिया हुआ कंपोजिशन ऑफ कोर्ट्स क्या क्या मिला के डेफिनेशन क्लॉज क्या क्या मिला के आ, आपके कोर्ट्स बनते हैं कौन उनको स्टैब्लिश करता है इधर से मेंस मेंस का कुछ नहीं आता तो उसको सिर्फ बेरेट से पढ़ना है अरेस्ट से मेंस का जनरली चालू होता है तो वहां फिर मैं आपको नोट्स जैसे मैं दे और सीआरपीसी के लिए किताबें हैं बटोकलाल है केलकर है किताबें हैं बट उन किताबों को कितना आप ग्रास कर पाएंगे दैट इज टू बी सीन इसीलिए यहां जब मैं ये सीआरपीसी पूरा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक एक चीज के नोट्स दूंगा जहां रिक्वायर्ड है जैसे आईपीसी में मैंने आपको कम दिए हैं क्योंकि आईपीसी की हर किताब में आपको ऑफेंस के एसेंशियल पर डिटेल मिल जाएगी लेकिन जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट जैसे सब्जेक्ट हैं इनमें मैंने एक एक, एक चीज के नोट्स दिए हैं आपको क्लास नोट्स और सीआरपीसी सीपीसी में तो वही सब कुछ मान लेना आप आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किताब कंसल्ट करने की एज सच जरूरत नहीं पड़ेगी जितना मैं यहाँ क्लास में लिखाऊंगा दैट वुड बी सफिशियंट फॉर यू वो समझने के लिए भी सफिशियंट है आंसर लिखने के लिए भी सफिशियंट है दोनों तरीके से सफिशियंट होगा वो बस ये इंश्योर कर लेना कि रोज क्लास अटेंड करके वो नोट्स अपने बनाते जाना वो उसमें चुक मत जाना तो आपके पास एक बढ़िया सा एंड में रजिस्टर तैयार हो जाएगा सीआरपीसी फिर उससे ही पढ़ना है जीवन में जब भी पढ़ना है ठीक तो एक एक चीज के जहां जहां रिक्वायर्ड है मैं नोट्स आपको दूंगा जैसे कल मैं आपको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल बताऊंगा तो पूरा लिखाऊंगा अभी क्योंकि तो ये कहानी ज्यादा दिन आपके जहन में रहेगी नहीं ये तो रह सकती है बट अब अंदर जब अपन जाएंगे तो वो दो चार दिन के बाद तोड़ जाएगी अभी न्यू ईयर आ जाएगा थर्टी के बाद थोड़ी रुक पाएगा वो तो इसीलिए उसको लिख लेना ताकि फिर एक बार पलट लेना पन्ने तो हो जाएगा तो कल से अपन पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल का डिफरेंस उसको लिखेंगे और फिर प्रोविजन वाइज अपन मेरिट से सीआरपीसी चालू करेंगे ये सब समझ में आया है ना भाई सबको क्योंकि अगर यहां समस्या है तो फिर आगे तो भयानक ही होनी है वैसे होनी तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल आप समस्या इतना समझने के बाद इस चार्ट को जरूर आप बना लें अपने पास या फोटो ले लें जो भी आप करना चाहें